So, good evening, everybody. Am I audible? Am I audible? Am I visible? चलिए सो वी हैव वी हैड टू स्टार्ट विद सोशल चेंज इन इंडिया ठीक है देखिए इस चैप्टर के अंदर इस बेसिकली ये चैप्टर है हमारे पास सोशल चेंज इन इंडिया एंड आफ्टर दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट विद द एल पी विद्यार्थी और उसके कंसेप्ट एंड देन द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी दो चैप्टर्स रह गए हैं बेसिकली सो so, होपफुली आज जो है वो सोशल चेंज हो जाएगा या फिर सोशल चेंज जो है वो हाफ कंप्लीट हो जाएगा ये बड़ा चैप्टर है आखिरी बड़ा चैप्टर है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का ठीक है आफ्टर सोशल चेंज वी विल स्टार्ट विद एलपी विद्यार्थी और उसी के साथ जो है वो डील किया जाएगा द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी ठीक है जी इस तरह से इसके साथ जो है डील किया जाएगा बेसिकली तो आपके पास जो है वो इंडियन सोशोलॉजी uh, या फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी इट विल बी कंप्लीटेड ठीक है जो आपके पास कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू इंडियन सोसाइटी है या फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इट विल बी डिस्कस्ड इन द लास्ट ठीक है तो बेसिकली इसको कंप्लीट होने के बाद और उसी के साथ साथ जो है वो इंडियन ट्राइबल्स भी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन अगर एक आध चैप्टर इंडियन ट्राइबल का रह जाता है एक आध दिन एक्स्ट्रा लगा के उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा एंड देन हम जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी दैट विल बी कम्प्लीट ठीक है सो बेसिकली दिस इज़ आर मोड और ज़्यादा क्लासेज इसकी रह नहीं गई हैं तो अगर इसी रफ्तार से चलते गए सोन वी विल कम्पलीट दी होल सिलेबस ठीक है ऑन दिस टिपुलेटेड टाइम इवन अर्लियर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है चलिए सो एथनिक मीडिया एंड सोशल अवेयरनेस तो दिस क्वेश्चन इट वॉज आस्ट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अच्छा इसके अंदर बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो मुझे बता दिया करो ठीक है हाँ मिनोरिटीज़ रह जाएगा मनॉरिटीज़ एस सी एस टीज दे विल बी डिस्कस्ड आफ्टर एल पी विद्यार्थी ठीक है, चेंजेस ड्यू टू रिलीजन और एलपी विद्यार्थी के बाद मिनोरिटीज को डिस्कस कर लिया जाएगा ठीक है सो एथनिक मीडिया एंड सोशल अवेयरनेस तो इसका इंट्रोडक्शन पहले बता दिया कि एथनिक मीडिया क्या है ऐसे मीडिया आउटलेट्स जो कि पर्टिकुलर एथनिक लिंग्विस्टिक और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को उनकी कल्चर को एस्पिरेशंस को वॉइस को रिफ्लेक्ट करते हैं डेट दैट इज बेसिकली एथनिक मीडिया ठीक है और इंडिया के अंदर ये जो आपके पास एथनिक मीडिया है ये आपकी कल्चरल आइडेंटिटीज़ को प्रिजर्व करने में काम करता है ठीक है और जो कोहिजन है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर वो आपको प्रोवाइड करता है ठीक है सो so, इसका सोशल अवेयरनेस के अंदर क्या रोल है वो हमें अभी बताना है सो so, पहला जो सोशल अवेयरनेस के अंदर रोल है ये कल्चरल गैप्स लोगों के बीच में जो भी इश्यूज होते हैं ट्रेडिशनल लोकल वैल्यूज़ के बीच में एक डायलॉग जो है वो फॉस्टर करता है इसी के ऊपर बी एस का काम है महाराष्ट्र के अंदर और वो बताते हैं कि कैसे इंडिजिनस कल्चर्स के बीच में और जो एक स्थानीय बाकी कल्चर्स रहती हैं उनके बीच में एक डायलॉग जो है एक सोशल कोजन का प्रोसेस जो है वो एथनिक मीडिया इनिशिएट करता है एथनिक मीडिया का मतलब होता है लोकल न्यूज़ चैनल्स एथनिक मीडिया लोकल न्यूज़ चैनल जो कि लोकल डायलैक्ट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि लोकल डायलैक्ट के अंदर आपका एंटरटेनमेंट करते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल एथनिक मीडिया का एक एग्ज़ाम्पल है भांड पंजाब के अंदर ठीक है तो ऐसे छोटे छोटे तो आप ऐसा नहीं है कि मीडिया जो है वो सोसाइटी के अंदर अभी आया है मीडिया पहले भी था पहले छोटे छोटे डाकिए हुआ करते थे छोटे छोटे जो है वो आपके पास जिसको हम पंजाब में नाई कहते हैं वो हुआ करते थे अगर कोई चिट्ठी या फिर कोई संदेश जिन लोगों तक पहुंचाना है हम लोगों को वो जो है वो पहुंचाया करते थे देवर अगेन पार्ट ऑफ मीडिया ये एथनिक मीडिया का पार्ट होते हैं फिर उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो एथनिक मीडिया लोकल न्यूज़ चैनल्स में तब्दील हो जाता है ठीक है पहले जो है वो आपके पास जो अगेन कुछ अगे लोकल लेवल के ऊपर कुछ जो है वो प्लेज किया करते थे लोग दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ एथनिक मीडिया ठीक है एथनिक मीडिया सोशल मीडिया से बहुत अलग है इस चीज़ को समझिए प्लीज़ बच्चों ने पिछले साल जो है वो सोशल मीडिया और सोशल अवेयरनेस के ऊपर पता नहीं क्या कुछ लिख दिया एथनिक मीडिया का मतलब है जो कल्चरली लोग रहते हैं आपके संदेश बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं दैट इज़ एथनिक मीडिया ठीक है तो ये कल्चरल गैप को ब्रिज करते हैं तो डायलॉग इनिशिएट करते हैं लोगों में ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है वो लोगों में फैलाते हैं अवेयरनेस फैलाते हैं देन उसके बाद लिंग्विस्टिक मनॉरिटीज को ये एमपावर करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रुकमनी सेन ने बंगाली न्यूज़पेपर्स के ऊपर जो है वो काम किया है इन आसाम और उन्होंने बताया कि किस तरह से बेसिकली एक जो नेटिव लैंग्वेज है उसके उसको एक स्पेस मिलती है इन न्यूज़पेपर से ठीक है उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है देन उसके बाद दी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो पी एस सहाय का काम है वेरी इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द ट्राइबल रेडियो इन झारखंड तो किस तरह से पॉलिटिकल जो है वो इंगेजमेंट उस रेडियो के माध्यम से बढ़ाया गया है ठीक है देन उसके बाद जो है वो कम्युनिटी आइडेंटिटी फॉस्टर होती है जैसे आपके पास आर मनोहर का काम है तमिलनाडु के अंदर ठीक है और तमिलनाडु के अंदर मैगजीन्स के ऊपर काम है किस तरह से उन जो वो मैगज़ीन्स हैं एथनिक मीडिया ने एक कॉमन आइडेंटिटी जो है वो इंस्टिल की है अमंगस दी तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। देन उसके बाद एजुकेशनल रोल भी रहता है जी एन डेवी का काम है गुजरात के अंदर कि किस तरह से एथनिक मीडिया ने एजुकेशन दिया है ठीक है इन लोकल डायलैक्ट इन लोकल लैंग्वेजेस देन उसके बाद चैंपियन ऑफ विमेन राइट्स अमू जोसेफ का काम है विमेन सेंट्रिक एथनिक मीडिया के ऊपर केरल में कि किस तरह से विमेन को उन्होंने टारगेट किया और उनको जो है वो राइट्स के बारे में बताया और उनकी वॉइस को लिखा गया दर्ज किया गया ठीक है उसी के साथ प्रमोटिंग सोशल हारमनी तो टीवी सत्यनारायण का काम जो है वो कम्युनल हार्मनी थ्रू उर्दू प्रेस इन हैदराबाद किस तरह से पीस में बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर उन लोगों ने जो है काम किया है देन उसके बाद एड्रेसिंग लोकल नीड्स लोकल नीड्स को लिखा जाता है जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है अहिश नंदी का काम है ठीक है तो बाय फोकसिंग ऑन दी लोकल इश्यूज एथनिक मीडिया जो है वो उनकी नीड्स को ऊपर वाले लोगों तक जो है पॉलिटिशियंस तक जो है वो पहुंच जाता है ठीक है सो दीज आर दी पॉइंट्स जिसके साथ एक एथनिक मीडिया आप तक सोशल अवेयरनेस को लेके आ रहा है कल्चरल गैप्स वो ब्रिज करता है लोगों में डायलॉग इनिशिएट होता है लोकल मनोरिटीज़ जो लिंग्विस्टिक मनोरिटीज़ होती हैं जैसे आसाम के अंदर बंगाली मिनोरिटीज़ हैं तो बंगाली न्यूज़पेपर्स उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं अगर उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगा तो वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज के अंदर किस तरह से पार्टिसिपेट कर पाएंगे देन उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को इन्हांस करते हैं जैसे पी एस सहाय का काम है झारखंड के अंदर तो अगर यही नहीं पता चल पाएगा कि पॉलिटिक्स के अंदर हो क्या रहा है किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्या उनके अधिकार हैं तो किस तरह से वो पोलिटिकल पार्टिसिपेशन अपनी बढ़ा पाएंगे तो पी एन का इसी के ऊपर काम है कि रेडियो जब झारखंड के अंदर आया ट्राइबल पॉकेट्स के अंदर आया और रेडियो को उन्हीं के डायलेक्ट में बजाया गया तो ऑब्वियसली उनके अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बढ़ी है उनको अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है उनको एजुकेशन मिल रही है एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि लिखना सिखाना शुरू कर दिया एजुकेशन का मतलब है एक इंफॉर्मेशन डिलीवरी जो कि उनको सेंस बनाती है वो मिलनी शुरू हुई है कल कम्युनिटी आइडेंटिटी फॉस्टर होती है जैसे आपके पास जो है लेट से जैसे यहाँ पे आर मनोहर का काम है कि किस तरह से जो है वो तेलुगू मैगजीन्स जो है वो उनकी एक कम्युनिटी आइडेंटिटी बनाया जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे साउथ इंडियन कमिल स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं उनके अंदर फिर उसके बाद एजुकेशनल रोल है वीमेन राइट्स को स्पेस मिलती है उस मीडिया के अंदर वो अपनी बात रख सकती हैं तो जब किसी को भी आप स्पेस देते हो किसी को भी आप वॉइस देते हो तो ऑब्वियसली यू आर एम्पावरिंग हिम और हर ठीक है देन उसके बाद सोशल हारमोनी प्रमोट होती है ठीक है देन लोकल नीड्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है एड्रेस होती हैं देन उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडिशनल पावर हेराची को आ, किस तरह से इसने ट्रांसफॉर्म किया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले बता दिया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम है दैट रिप्रेजेंट्स अ डेमोक्रेटिक डिसट्रलाइजेशन प्रोसेस एट द ग्रास रूट पार्टिसिपेशन ठीक है और उसके बाद हमने बता दिया कि ये जो है किस तरह से पावर हेराची को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ठीक है तो पहली जो चीज है ये है इंक्लूजन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ठीक है पावर हराची पहले किस तरह से थी पहले देर वॉज आ डोमिनेंट कास्ट पहले का मतलब क्या है जब हम आज़ाद हुए हैं या फिर आज़ादी के नाइनटीन सिक्सटीज नाइनटीन सेवेंटीज़ के अंदर ठीक है तो पहले जो है वो एक डोमिनेंट कास्ट हुआ करती थी जिसके पास ज़मीन थी जो कि लैंड ओनर कास्ट थी और पॉलिटिकल दबदबा जो है इसी डोमिनेंट कास्ट का हुआ करता था ठीक है और इस डोमिनेंट कास्ट ने जो कह दिया वो जो है वो सच था लेकिन अब घनश्याम शाह की स्टडी है गुजरात के अंदर कि एक इंक्लूजन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है ड्यू टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्योंकि लोगों को समझ आना शुरू हो गया है कि आपके पास एक वोट का चाहे आप किसी भी जाति के हो उसका एक ही वैल्यू है जाति विशेष इसके इसके अंदर बिल्कुल भी मायना नहीं रखता है तो अगर आप लोग आपस में अलायंस बना लोगे अगर आप लोग एक कॉमन एजेंडा के ऊपर अलायंस बनाते हो अपने आप को कंक्लूड करते हो तब पावर जो है वो आपके हाथ में रहेगी आप उस एजेंडा के ऊपर काम कर पाओगे आप अपनी कंडीशन के अंदर बेहतरी बह, जो है वो लेके आ पाओगे ठीक है तो घनश्याम शाह की गुजरात के अंदर स्टडी इसी चीज़ को बताती है उन्होंने बेसिकली जो मार्जनालाइज क्लासेस हैं लोकल गवर्नेंस के अंदर उनका किस तरह से इंक्लूजन हुआ है वो समझाया है कि किस तरह से उन लोगों ने एक कॉमन एजेंडा कि उनका मार्जनाइजेशन हो रहा है किस तरह से उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए उस चीज़ को कंक्लूड किया अलायंस बनाया और लोकल गवर्नेंस के अंदर अपना एक स्थान जो है वो बना लिया फिर उसके बाद सिमिलर जो है वो नीरा चंडोक का काम है पंजाब के अंदर वो भी सिमिलर जो है वो इसी तरह से चीज़ों को बताती हैं फाउंड द शिफ्ट फ्रॉम द कंसनट्रेटेड पावर दैट वॉज इन दी हैंड ऑफ द डोमिनेंट कास्ट टू दी मोर डिस्ट्रीब्यूटेड पावर स्ट्रक्चर्स ठीक है और डोमिनेंट कास्ट को भी पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि अपने हाथ से उसको जाने देना पड़ता है क्यों क्योंकि उसको अलायसेज बनाने हैं अगर अपने ही घर में पावर रख के वो बैठा रहेगा तो कल को उसको पोलिटिकल पोजिशन से नीचे उतार दिया जाएगा तो उसको एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है इनिशिएट करना पड़ता है टूवर्ड्स द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ठीक है देन उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट बीना अग्रवाल का काम है राजस्थान के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से विमेन जो है वो पंचायत के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन रिजर्वेशन जब सीट्स की होती है तो उनको पंचायत ऑफिस में आना पड़ता है उसी के साथ बीना अग्रवाल राजस्थान में पंचायत पति की प्रॉब्लम को भी जो है वो डिलीनिएट करती हैं बट ओन अदर हैंड जिन विमेन को कोई कारण ही नहीं मिल रहा था कि वो जो है वो घर को छोड़ के बाहर निकलें वो ऑब्वियसली पंचायत ऑफिस तक जा रही हैं और उनको पता चल रहा है कि उनका रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर देन उसके बाद जो है वो नसबम मार्था नसबम का काम है तमिलनाडु के अंदर और वो बेसिकली यही जो है वो बात तमिलनाडु के अंदर भी करती है कि किस तरह से जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वीमन के स्टेटस को एलिवेट कर रहा है फिर उसके बाद कास्ट हर को ये चैलेंज कर रहा है कास्ट हर को किस तरह से चैलेंज कर रहा है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अनिरुद्ध कृष्णा ने कर्नाटका के अंदर काम किया है और एस एस जोधका ने हरियाणा के अंदर काम किया है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कास्ट डायनमिक्स को इम्पेक्ट कर रहा है क्योंकि जो आपके पास अपर कास्ट है उसका डोमिनेंस रिड्यूस हो रहा है बिकॉज कर्नाटका के अंदर अनिरुद्ध कृष्णा कहते हैं कि बहुत बार जो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स होती हैं या फिर डोमिनेंट कास्ट्स होती हैं बिकॉज देर इज प्लूरेटी ऑफ कास्ट इन अ पर्टिकुलर रीजन लेट्स एक डोमिनेंट कास्ट है ए और दूसरी डोमिनेंट कास्ट है बी तो ये जो डोमिनेंट कास्ट हैं बहुत बार ये आपस में अलायंस नहीं बना पाती हैं बट ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है वो आपस में एक अलायंस जो है वो बना पाता है नहीं तो बहुत बार ये डोमिनेंट कास्ट को ए को इनके साथ अलायंस बनाना पड़ता है ठीक है जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो एक कास्ट हरार हैं उनको अपना जो सोशल स्टेटस है वो त्यागना पड़ता है नीचे जो है वो बाकी मार्जलाइज सेक्शंस के तरफ जो है ध्यान देना पड़ता है सिमिलर चीज़ जो है वो एस एस का हरियाणा के अंदर भी समझाते हैं फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी सो जीन रेजे अच्छा कोई इसको जानता है इस इंसान के बारे में पता है भाई किसी को ड्रेजे के बारे में पता है एनी ऑनलाइन स्टूडेंट कौन है मनरेगा शाबाश ठीक है तो मनरेगा का जन्मदाता है ये इंसान ठीक है तो ड्रेज़े ने जो है वो मनरेगा जैसी स्कीम्स बनाई हैं और मतलब मानना पड़ेगा इस चीज़ को कि मनरेगा जैसी स्कीम्स दे आर वेल अडेप्टड टू द इंडियन एनवायरनमेंट वेल अडेप्ट वेल अडेप्ट मनरेगा जैसी स्कीम एक ऐसी स्कीम है कि इसको सबसे ज़्यादा जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है उन लोगों को भी हिम्मत नहीं है कि इसको हटा सके इट इज़ सो इफेक्टिव स्कीम इन द रूरल एरियाज रूरल एरियाज़ के अंदर इसके क्रिटिसिजम भी हैं जो डोमिनेंट कास्ट है इसको खुद खूब क्रिटिसाइज़ करती है मेरे खुद के फादर इसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसने ये कर दिया है मेरे पास लेबर नहीं है ये नहीं है वो नहीं है बट ओन दी अदर हैंड अगर कास्ट सिस्टम के प्रस्पेक्टिव से इसको देखा जाए और विलेज के इन्वायरमेंट्स के प्रस्पेक्टिव को देखा जाए तो दिस स्कीम हैज़ बीन वेरी इन्फ्लुशल एंड वेरी इफेक्टिव स्कीम ठीक है तो ठीक है सो उन्होंने एग्जामिन किया है कि किस तरह से जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर कर रहा है और आपके पास रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पंचायती राज की वजह से हो रहा है बिकॉज लोगों को पता है कि किसके पास पावर्स हैं कि पैसा जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कितना जो है वो पैसा आया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोगों को चीज़ों के बारे में पता चल जाता है फिर अल्टीमेटली जो है उन चीज़ों को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है देन उसके बाद के सी सूरी का एग्जाम्पल है इसके अंदर देखो पॉजिटिव भी है इसका और नेगेटिव भी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज़ बिकम अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक है अगर पैसा आता है ऊपर से सरपंच और पंच उसको बहुत इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर ऊपर से कोई भी मदद आती है तो उसको बहुत इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ठीक है आर के बाद तो काफ़ी इफेक्टिव हो गया सिस्टम ठीक है और उसी के साथ जो है वो हम चीज़ों का डिजिटल डिज, डिजिटली भी जो है वो हम आ, अगेन सीधा अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसा आ जाता है ठीक है तो वो सिस्टम्स के थ्रू जो पूरा का पूरा प्रणाली है वो बहुत इट्स वेरी इफेक्टिव बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको एज अ कलेक्टर सिस्टम की जो तरह जो है वो अगर रिगार्ड करना स्टार्ट कर दें दिस सिस्टम इज़ नॉट इफेक्टिव एट ऑल ठीक है कलेक्टर सिस्टम जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है आपकी जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो आपको कुछ टैक्स वगैरह जो है वो लगाती हैं और आपको टैक्स देना पड़ता है पानी का बिल जो है वो आपको भेजती हैं आपको पानी का बिल जो है वो अदा करना पड़ता है अगर नहीं अदा करोगे तो आपका कनेक्शन कट जाएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है तो सिमिलरली जो है वो पंचायत के अंदर यह कलेक्शन सिस्टम नहीं है पंचायत उस चीज़ के लिए डिज़ाइंड नहीं है लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इट्स एक्सीलेंट फिर उसके बाद के सी सूरी आंध्र प्रदेश के अंदर इनका काम है तो वो जो है वो अगेन वही बात कहते हैं कि फाउंड दैट पी आर जो पी आर आईज हैं दे इनेबल्ड मोर टेलर्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ठीक है तो जो आप लोकल लेवल्स के ऊपर होनी चाहिए उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से टेलर किया है बताया है बना लिया है ठीक है देन उसके बाद इंटीग्रेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ सो बी के रॉय बर्मन का नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो काम है कि किस तरह से इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लोकल गवर्नेंस के अंदर लोकल गवर्नेंस के थ्रू जो है वो एक डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया है देन खाखा का झारखंड के अंदर काम है कि किस तरह से लोकल गवर्नेंस के अंदर ट्राइबल पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है लोकल ट्राइबल कम्यूनिटीज़ को एक जो वॉइस है वो मिली है और उसी के साथ जो है वो कंट्रोल ओवर देयर लोकल रिसोर्सेज़ दैट वी हैव फॉस्ट दैन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नंदनी सुंदर का छत्तीसगढ़ के अंदर काम है कि अगर किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है तो इस्टेब्लिशिंग लोकल जस्टिस इसके लिए जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन काम आती है राधा कृष्णा का काम है केरल के अंदर तो अगेन कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच में डायलॉग करवाना और एक सबकी सहमति के ऊपर जो है वो एक डिसीज़न लेना ये बहुत अच्छा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ये फंक्शन अदा करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दैन उसके बाद अरुण अग्रवाल का हिमाचल प्रदेश के अंदर काम है कि किस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप के अंदर काम इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप मतलब एक डायलॉग प्रोसेस जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉस्टर कर सकती हैं जो कि एक प्रोजेक्ट को क्या वो प्रोजेक्ट यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस चीज़ को वो निर्धारित कर सकता है ठीक है और उसी के साथ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए वो भी ये डायलॉग प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फॉस्टर कर सकता है सो अरुण अग्रवाल का काम है हिमाचल प्रदेश में ठीक है तो बेसिकली जब हम आ, कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके अंदर एक सबसे पहले ये हम कहते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इसके अंदर एक डायलॉग जो है वो चले डायलॉग या फिर एक डिबेट चले कि क्या ये प्रोजेक्ट यहाँ पे होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली देर विल बी इकॉन्मी वर्सेस एनवायरमेंट डिबेट वो एक डिबेट इनके अंदर होनी चाहिए और ये देखा गया है अरुण अग्रवाल हिमाचल प्रदेश के अंदर ये देखते हैं कि यह डिबेट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोकल लोग हैं वो बहुत अच्छे से फॉस्टर करते हैं उनको पता होता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या खामियां हैं क्या जो है वो नुकसान पहुंचने वाला है उस चीज़ को वो फोर्स ही कर पाते हैं बिकॉज़ सालों साल तक वो उस एन्वायॉर्मेंट में रहते हैं वो उस एन्वायॉर्मेंटल नीश को बाहरी किसी इंसान से ज़्यादा समझ पाते हैं ठीक है फिर उसके बाद जो है कंक्लूडेड दैट पी आर आईज़ दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दस्टेनेबल इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है तो इस तरह से वो समझ पाते हैं कि क्या इससे आने वाले इकोनॉमिक फ़ायदे वो हमारे लिए ज़रूरी हैं या फिर जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए ज़रूरी है तो उसके बीच वाला रास्ता भी जो आ, लोकल लाइट्स हैं वो बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं देन उसके बाद रामचंद्र गुहा का काम है वेस्ट बंगाल के अंदर और उन्होंने बताया कि किस तरह से कम्युनिटी वेस्ट कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस और लोकल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से कारगर जो है वो साबित हो पाते हैं उसी के साथ देर आर सर्टन चैलेंजेस देर आर सर्टन लिमिटेशंस जैसे फॉर एग्जांपल ए एविसकर का मध्य प्रदेश के अंदर काम है करप्शन है नेपोटिज़्म है और लोकल एलिट्स अभी भी उसको डोमिनेट कर रहे हैं फिर उसके बाद एस एल दोशी का महाराष्ट्र के अंदर काम है और वो भी जो है वो यही बताते हैं कि पॉलिसी और प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप्स हैं लोकल इलिट्रेसी की वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनमें जो एक अवेयरनेस है वो बहुत कम है और सोशो पोलिटिकल बैरियर्स अभी भी हैं ठीक है थीके? फिर आपने जो है कंक्लूड कर दिया गॉड द पॉइंट भाई बात समझ सकते हो अब अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरह से सोशल चेंज लेके आ रहे हैं आई थिंक यू आर वेल इक्विप्ड टू राइट दैट इन अबाउट वन फिफ्टी वर्ड्स ठीक है तो आपके पास हर एक के स्टडी जो है वो पहुँच चुकी है ठीक है ऊपर वाले जो जनरल स्टडीज़ के पॉइंट्स हैं आई थिंक यू कैन मैनेज दैम ठीक है फिर उसके बाद फंक्शनिज्म एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया देखो फंक्शनिज्म इट्स अ सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव जो कि आपके पास सोसाइटी को एज अ कम्पलेक्स सिस्टम मानता है और ये कहता है कि इस सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स जो है एक दूसरे के साथ काम करते हैं टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कोहीजन ठीक है सो दिस इज अ वेरी जनरल डेफिनेशन ऑफ फंक्शनलिज्म ठीक है कि एक सोसाइटी है इट्स अ कम्प्लेक्स सिस्टम और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं पी वन पी टू पी थ्री पी फोर और ये पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रह सके जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपकी फैमिली है इट्स एन इंस्टीट्यूशन ये स्कूल के साथ काम करेगी स्कूल जो है ये आपके पास बाक़ी जो इन्वायरमेंट है उसके साथ काम करेगा तो स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा कॉलेजेस उस चीज़ को ही उस एजुकेशन को ही आगे लेके जाएंगे फिर उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट उसी चीज़ को ही आगे लेके जाएगा सो देर इज़ कोहीजन और इसी कोहीजन की वजह से एक सोशल स्टेबिलिटी जो है वो बन पाती है सो बेसिकली दिस इज़ दी क्रक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिज्म ठीक है और पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया को किस तरह से स्टेबिलिटी और कोहीजन देता है ये जो है वो सवाल का एक क्रक्स था असेंस था ठीक है तो पहली जो चीज़ है वो है कास्ट सिस्टम और पोलिटिकल स्ट्रक्चर इसको स्टडी किया है एम एन श्रीनिवास ने और उन्होंने बताया है कि कैसे अलग अलग कास्ट जो है वो वो लोकल पार्टीज़ के साथ अलाइंस के अंदर जो है वो रहती हैं ठीक है फाउंड दैट द कास्ट फंक्शन टू ऑर्गेनाइज़ द पोलिटिकल पावर इन द रूरल एरियाज और रूरल एरिया से जो है वो जो स्पोर्ट जुटाते हैं वो भी कास्ट लाइंस के ऊपर जो है वो जुटती हैं ठीक है और इसी तरह से जो कास्ट है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन को और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है ठीक है तो जो आपके पास रिलेशनशिप्स हैं कास्ट रिलेशनशिप्स हैं वो पोलिटिकल रिलेशनशिप्स को फॉस्टर करते हैं बनाते हैं ठीक है देन उसके बाद जो है वो आपके पास और कास्ट रिलेशनशिप्स अगेन दे आर ट्रेडिशनल इन नेचर अलग अलग जातियाँ जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं जैसे लेट से एक मैरिज सेरेमनी का एग्जाम्पल लेते हैं मैरिज सेरेमनी के अंदर खाना बनाने वाले लोगों की जाति अलग होगी खा जो बर्तन धोने वाले लोगों की जाति अलग होगी प्रीस्ट की जाति जो है वो अलग होगी और जो गेस्ट हैं उनकी जाति अलग होगी बट इन दिस पर्टिकुलर सेरेमनी ईच एंड एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी रहते हैं एंड ऑन द अदर हैंड गवर्नेंस के लिए जो पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होता है वो भी कास्ट जो है वो फॉस्टर करते हैं ठीक है देन उसके बाद विलेज पंचायत एंड सोशल कोहीजन एम शाह का काम है कि कैसे विलेज पंचायत जो है वो लोकल गवर्नेंस का एक अटूट पार्ट होती है फाउंड दैट द पंचायत दे सर्व ए फंक्शनल रोल इन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर जो आपके पास ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं और जो आपके पास मॉडर्न पॉलिटिकल डिमांड्स हैं उनके बीच में जो एक बीच वाला रास्ता है वो कास्ट पंचायत ही निकालती हैं जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है वो कह रही है कि आप जो है वो बिल्कुल लिबरल हो जाइए बिल्कुल लिबरल हो जाइए और लड़कियों को जो है वो खूब पढ़ाइए लिखाइए पूरी जो है वो छूट दे दीजिए ठीक है और ओन दी अदर हैंड देर इज़ कास्ट पंचायत्स कास्ट पंचायत जो है वो कहती हैं कि ओके देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ मॉडर्निज़्म हमें इतनी जो है वो छूट देनी चाहिए ठीक है लोगों को इतनी छूट जो है वो देनी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो बेसिकली अगर कास्ट पंचायत नहीं होंगी तो एम शाह का मानना है दैट ये जो आपके पास सोशल कोहीजन है प्रोबेबली ये जो है वो टूट जाएगा ठीक है बहुत बड़ा जनरेशनल गैप या फिर एक जो है वो वैल्यू uh, गैप जो है लोगों के बीच में आ जाएगा जिसकी वजह से शायद सोसाइटी अच्छे से काम ना कर पाए तो जो ये ट्रेडिशनल और जो विलेज पंचायत हैं कास्ट पंचायत हैं ये एक बीच वाला रास्ता जो है वो निकालती हैं ऑब्वियसली देर आर ड्रॉबैक्स टू दिस ऑल्सो कई बार खाप पंचायत या फिर ये जो ट्रेडिशनल पंचायत हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो लॉ के अगेंस्ट ली जाती हैं ड्रॉबैक्स हैं इसके बट जनरली जो है ये टेंडेंसी देखी जाती है देन उसके बाद फंक्शनलिज्म एंड पॉलिटिकल अलाइनमेंट ठीक है तो आपके पास मेयर राजस्थान के अंदर इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है वो बैलेंस ऑफ पावर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो है वो खेला खेला जाता है ठीक है तो आपके पास ही कंक्लूडेड दैट फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चर्स पोलिटिकल अलाइंस एंड कॉम्पिटिशन ठीक है किस तरह से फॉर एग्जाम्पल लेट से देर इज़ अ पोलिटिकल पार्टी पी वन एंड देर इज अ पोलिटिकल पार्टी पी टू तो P1 को अलग अलग जातियों के साथ अपना अलायंस जो है वो बना के रखना पड़ेगा अगर ये अलायंस ये जातियाँ कहीं से भी नाराज़ हो जाती हैं या फिर इन जातियों के लीडर कहीं पे भी नाराज़ हो जाते हैं और या फिर इन जातियों के सेल्फ़ इंटरेस्ट जो है वो पूरे नहीं किए जाते तो ये जो है वो पी की तरफ चले जाएंगी और पी भी यही चाहता है कि हमारी तरफ़ आ जाए सो इस तरह से एक बैलेंस्ड ऑफ पावर जो है वो बना के रखा जाता है देन उसके बाद रिलीजन एंड पोलिटिकल मोबलाइजेशन सो मैके ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है पोलिटिकल कंपेन्स के ऊपर और उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल दे ऑल फंक्शन फॉर दी पोलिटिकल मोबलाइजेशन ऑफ द सर्टन पार्टीज़ इसके ऊपर मुझे ज़्यादा जो है वो बात करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट भी पैदा होते हैं ठीक है देन उसके बाद जेंडर रोल्स एंड वीमेन पार्टिसिपेशन बीना अग्रवाल का काम है वेस्ट बंगाल के अंदर और उन्होंने बताया है कि किस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर वीमेन पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो है फाउंड दैट द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स फंक्शन टू बोथ इनेबल एंड रिस्ट्रिक्ट दिमेन पोलिटिकल पार्टिसिपेशन ठीक है तो आपके पास uh, <coughs>

कास्ट की वीमेन है या फिर देर आर हाई क्लास वीमैन तो उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो विलेज पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज इनेबल करती हैं ठीक है ठीके? और फिर आपके पास जो है जो बाकी लोअर क्लास वीमेन जो होती हैं उनको जो है वो डिसेबल किया जाता है बट ऑन दी अदर हैंड ये जो आपके पास अपर क्लास वीमेन है ये इन वीमेन के साथ अलायंस बनाती हैं ये इन विमेन को जो है वो मोबलाइज़ करती हैं अपनी पोलिटिकल एजेंडा के लिए ठीक है तो ऑन वन हैंड आपके पास ट्रेडिशन जो है वो कह रहा है कि आपको पोलिटिकल पार्टिसिपेशन एक एक्टिव जो है लीडरशिप के अंदर नहीं जाना है बट ऑन दी अदर हैंड अंदर से जो है जो ऊपर हाई क्लास वीमेन जो खड़ी की जाएंगी जो एक्टिव पोलिटिकल पार्टिसिपेशन देंगी वो इन विमेन को जो है वो मोबलाइज़ करती हैं ठीक है तो इवेंचुअली इन विमेन का अगर हम एटिक परस्पेक्टिव से देखें बाहर से देखें तो आपको पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई देगा ठीक है अगर दिखाई देगा तो वो बहुत इट विल बी वेरी लिटल बट ऑन दी अदर हैंड ये जो हाउस होल्ड मोबलाइजेशन है ये दिखाई देता है ठीक है आजकल विमेन जो है हाउस होल्ड विमेन जो है वो भी अपना एक नज़रिया बना लेती हैं कि हमारा वोट किसको जाएगा ठीक है और उनके नज़रिए से इवेंचुअली एक हाउस होल्ड ग्रुप जो है उसकी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होती है देन उसके बाद इकोनॉमिक फंक्शंस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सो के एल शर्मा ने रिलेशनशिप बनाया बताया है बिटवीन दी एग्रीकल्चर एंड पॉलिटिक्स और उन्होंने बताया किस तरह से लैंड होल्डिंग पैटर्न वो जो है वो पॉलिटिकल पावर को डिटरमाइन करता है जनरली आपके पास जिन जातियों के पास ज़्यादा ज़मीन होती है उस एरिया के अंदर वही उस एरिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके हायर स्टेचर में हायर पोजीशन में वही जातियाँ रहती हैं देन उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड सेल्फ़ गवर्नेंस एंड्रे बेते का काम है उड़ीसा के अंदर और उन्होंने बताया किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो अपने आप को गवर्न करती हैं और आपके फाउंड दैट द ट्रेडिशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूशन दे फंक्शन अलॉन्ग साइड द मॉडर्न पोलिटिकल एलीट्स मॉडर्न पोलिटिकल एलीट्स जो है वो उन इंस्टीट्यूशनस को ख़त्म नहीं कर पाते हैं या फिर उन इंस्टीट्यूशन को डिसरिगार्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे नीड वोट ठीक है तो वोट के लिए बेसिकली एक कंसेंसस जो है वो बन जाता है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस का और मॉडर्न पॉलिटिकल एट्स का ठीक है तो बेसिकली जो है वो आपके पास ट्रेडिशन और पॉलिटिक्स ये इंडिया के अंदर ट्राइबल एरियाज़ में को करती है ठीक है एंड्रे बेते का ये काम है वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है उड़ीसा के अंदर तो जो आपके पास ट्रेडिशनल लिटरेचर है ट्राइबल लिटरेचर है उड़ीसा के अंदर देखा गया है मैं पर्टिकुलरली उड़ीसा की बात कर रहा हूँ तो उड़ीसा के अंदर देखा गया है कि वो जो है इट इज़ वेल कंज़र्व्ड वेल well कंजर्वड क्यों है बिकॉज पोलिटिकल एलिट्स जो है ऑब्वियसली जो पावरफुल हैं उनको एक कंसेंसस बनाना पड़ा है कि वो हिंदी को प्रमोट नहीं कर सकते थे अगर वो हिंदी को ही प्रमोट करते सिर्फ तो ऑब्वियसली एक जो है वो जो लोकल ट्राइबल्स हैं वो उनको वोट ना डालते तो उनको पैटर्नाइज़ करना पड़ा अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से डॉक्टर करनी पड़ी ठीक है जी देन उसके बाद कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन ओके एनी बडी डाउट। भाई ये सवाल पूछे जाते हैं अगर किसी का डाउट है तो भाई पूछ सकते हो सो एवरी थिंग इज क्लियर देन उसके बाद कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन संस्कृताइजेशन कंसेप्ट आपको पता ही है जब आपके पास लोअर कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो हाई कास्ट के कस्टम्स हैं रिचुअल्स हैं प्रैक्टिस हैं उनको मिमिक करना स्टार्ट कर देते हैं सो एज टू एलिवेट देअर सोशल स्टेटस इसको हम संस्कृताइजेशन कहते हैं इसके अंदर अपर मोबिलिटी जो है कास्ट हेरार्चिकल सिस्टम के अंदर होती है संस्कृताइजेशन को समझने के लिए सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है देर आर थ्री आस्पेक्ट्स ऑफ संस्कृताइजेशन ठीक है पहला आस्पेक्ट है कि आपके पास जो है वो हायर कास्ट को आप एमिटेट करोगे ठीक है एमुलेशन करते हो सो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ उनकी एक इंस्पिरेशन रहती है और इंस्पिरेशन की वजह से वो जो उनकी रिचुअल्स हैं प्रैक्टिस हैं लाइफ स्टाइल हैं उनको एमिटेट करते हैं हायर क्लास के जो उनकी रेफरेंस कास्ट है उसको ठीक है हायर कास्ट ग्रुप्स को सो दिस एम्यूलेशन इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू अटेन हायर सोशल स्टेज जैसे फॉर एग्जांपल कूर्ग ऑफ कर्नाटका एम एन श्रीनिवास की स्टडी है उसके अंदर बताया कि किस तरह से लोअर कास्ट ने वेजिटेरियनिज्म को अडॉप्ट कर दिया ठीक है दिस वाज नॉट मियरली अ चेंज ऑफ द डाइटरी हैबिट बट ये एक सिंबल था कि वो किस तरह से हायर कास्ट के जो नॉर्म्स हैं वैल्यूज हैं उनको वो एडहर कर रहे हैं ठीक है उसी के साथ देयर इज कास्ट फ्लूडिटी सेकेंड चीज कास्ट रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कास्ट फ्लूडिटी होनी चाहिए सो संस्कृताइजेशन एम्फोसाइज ऑन द कास्ट सिस्टम नॉट एज रिजिड और स्टैटिक बट आपके पास एक जो है वो चहरार्ची इट कैन चेंज ओवर टाइम जो सोशल स्टेटिफिकेशन है इट कैन चेंज ओवर टाइम सो लोअर कास्ट दे कैन अडॉप्ट टू द प्रैक्टिस ऑफ द हायर कास्ट लीडिंग टू द चेंज इन देयर स्टेटस जैसे फॉर एग्जाम्पल एम एन श्रीनिवास ने जो है वो तमिलनाडु के अंदर जो है वो परामलाई कलर कम्युनिटी के अंदर काम किया और उन्होंने बताया दैट इनिशियली दे वर कंसिडर्ड क्रिमिनल बट उन्होंने धीरे धीरे जो है संस्कृताइजेशन को जो है वो अंडरटेक किया टू अजर्ट दैमसेल्व एव क्षत्रिया उन्होंने जो है वो दे अडोप्ट द सिम्बल्स एंड प्रैक्टिस दैट आर एसोसिएटेड विद क्षत्रिया कास्ट टू चेंज देयर सोशल पोजिशनिंग ठीक है तो क्रिमिनल पहले कहा जाता था बिकॉज देवर एसोसिएटेड विद लिकर शराब के साथ उनको टॉडी के साथ एसोसिएट किया जाता था तो उन्होंने जो टॉडी मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ो उन्होंने शराब पीना तक छोड़ दिया वो टी टोटलर होना शुरू हो गए क्योंकि ब्राह्मीण शराब नहीं पीते थे ठीक है तो टॉडी के साथ जो एसोसिएशन था वो उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया जो बाकी प्रैक्टिसज हैं वो उन्होंने लीव करनी स्टार्ट कर दी और बिल्कुल क्षत्रिय कास्ट जैसी जो है वो प्रैक्टिसज उन्होंने अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दी देन उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल असीम्यशन एक और आस्पेक्ट है संस्कृताइजेशन का कि आपके पास रिलीजन लैंग्वेज रिचुअल कल्चरल प्रैक्टिस ये आप जो है वो सारी की सारी ऊपर वाली जो कास्ट हैं उनकी आप अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हो जैसे रामपुरा के अंदर जो है वो एम एन श्रीनिवास ने काम किया कि किस तरह से जो लोअर कास्ट ग्रुप्स हैं वो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को और वो डीटीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सेक्रेट थ्रेड को जो है वो पहन रहे हैं और जो कुछ प्योरिटी के नॉर्म्स हैं वो उनको भी अडॉप्ट कर रहे हैं ठीक है फिर जो है वो एप्लीकेशन लिखी हुई हैं सोशल मोबिलिटी में ये काम आती है सोशल मोबिलिटी को अगर आप समझना चाहते हो तो उसके अंदर ये काम आती है उसके अंदर जो है एम एन श्रीनिवास की शूद्र कास्ट की जो स्टडी है मैसौर के अंदर उसको मैंने यहाँ पे बताया है देन उसके बाद पोलिटिकल लीवरेज को अगर आप समझना चाहते हो तो इसके अंदर जो है वो अगेन संस्कृताइजेशन जो है वो लागू की जाती की जा सकती है जैसे बाय अलाइनिंग देम सेल्व विद द हायर विद द करैक्ट्रस्टिक ऑफ द हायर कास्ट कम्युनिटीज़ बहुत बार जो है वो सोशल और पॉलिटिकल रिकॉग्निशन भी जो है वो गेन करती है और यही जो आपके पास जो करेक्ट्रिस्टिक्स हैं जो वो एक्वायर कर लेती है हायर कास्ट वाले ये उनका पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल स्टेचर भी जो है वो बढ़ा देते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम केस स्टडी लें यादव कम्युनिटी की नॉर्थ इंडिया के अंदर इट इज़ अ वेरी क्लियर एग्जांपल कि किस तरह से संस्कृताइजेशन के साथ जो है वो उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय कास्ट के साथ जो है वो अलाइन किया अभी एक जो है वो नीचे मैसेज आएगा या फिर एक जो है वो कमेंट आएगा कि वो क्षत्रिय ही होते हैं ठीक है तो एनी हाउ दिस इज अगेन अ डिबेट इट्स अ वेरी डिबेटेबल इशू तो आपके पास जो है उन्होंने क्षत्रिय कास्ट को उनके करेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर किया उनके रिचुअल प्रैक्टिस को एक्वायर किया ठीक है तो इवेंचुअली हम जो है देखते हैं कि उनका एक पोलिटिकल डोमिनेंस उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉलिटिक्स में दिखाई देता है ठीक है और इसके बहुत और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं नडर्स का एग्ज़ाम्पल है तमिलनाडु के अंदर कि किस तरह से उन्होंने वेजिटेरियनिज्म को और उन्होंने शराब छोड़ दी उनको भी शराब के साथ टी टोडी के साथ जो है एसोसिएट किया जाता था उनको भी इम्प्योर माना जाता था लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना जो इकनॉमिक स्टेटस है उसको भी इंक्रीज किया और इकोनॉमिक स्टेटस के साथ साथ जो है उन्होंने शराब को छोड़ा और वेजिटेरियनिज्म को फॉलो किया और अपना जो सोशल स्टेचर है उसको ऊपर बढ़ाया सिमिलरली लिंग अगेन अंदर भी देर इज सर्टन काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ द्राह्मिकल रिचुअलिज्म एंड लिमिटेशन तो क्रिटिसिज्म पहला है ओवर सिंप्लीफाइड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंप्लेक्स सोशल प्रोसेस एंड्रे बेटे कहते हैं कि आपके पास जो है नॉट ऑल दी अपवर्डली मोबाइल क्लासेज वो जो है वो ब्राह्मणिकल वैल्यूज को सीख करती हैं बट देयर आर वराइटी ऑफ पाथवेज जिसके साथ ये जो सोशल स्टेटस का इंक्रीज है वो हो सकता है जिसके अंदर इकोनॉमिक्स एक रिलेशन है अगर आपका बेटा या फिर बेटी मल्टी कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रही है आपके पास जो है वो विलेज के अंदर उतनी संपत्ति नहीं है जितना वो कमा रहे हैं या फिर कमा रही हैं देन ऑब्वियसली सोशल स्टेटस जो है वो गेन होगा ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास जो है वो रिचुअल रिचुअल स्टेटस नहीं है बट आपके पास जो है लैंड ज़्यादा है विलेज के अंदर तो भी जो है वो आपकी अपर अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल है वो हो सकती है ठीक है सो देयर आर वराइटी ऑफ वेज सिमिलरली एंड्रे बेते कहते हैं दैट पोलिटिसन इट इज़ एन वे जिसके अंदर वो नडर्स का ही एग्ज़ाम्पल देते हैं कि किस तरह से के कामराज को बनाने में उन उस कम्युनिटी का जो है वो एक बहुत बड़ा हाथ रहा था ठीक है उसके बाद चाहे कम्युनिटी डिस्पर्स हो गई लेकिन अगेन उस टाइम के ऊपर उन्होंने सोशल मोबिलिटी करनी स्टार्ट कर दी थी ठीक है देन उसके बाद निग्लेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर योगेंद्र सिंह कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन के अंदर आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो ठीक है सो so उसकी वजह से जो है वो अगेन अपवर्ड मोबिलिटी देखी जाती है और ये जो है वो इट इज़ नॉट मेयर द एम्यूलेशन ऑफ द हायर कास्ट और हायर कास्ट रिचुअल्स और रिचुअल प्रैक्टिस देन उसके बाद री इन्फोर्समेंट ऑफ द्राह्मिकल वैल्यूज ठीक है जिलेट कहते हैं एल्नोर जिलेट कहते हैं पॉइंट्स आउट दैट द कंसेप्ट इट टेंड्स टू लिजिटिमाइज़ द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी ठीक है और उसको जो है वो उन्होंने लोअर कास्ट का एक गोल बना दिया है तो ये जो कंसेप्ट है वो कास्ट सिस्टम को री कर रहा है देन उसके बाद लिमिटेड इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी थ्रू आउट इंडिया ठीक है तो ये पूरी पैन इंडिया फिनमिना इसको हम जो है नहीं कह सकते इसी चीज़ को एम एस ए रॉय वो कहते हैं दैट इट डज नॉटी एडिक्वेटली एक्सप्लेन दी सोशल चेंज इन दी रीजन्स वेयर द ब्राह्मणिकल वैल्यूज दे आर नॉट डोमिनेंट जस्ट लाइक पंजाब ब्राह्मणिकल वैल्यूज डोमिनेंट नहीं है तो वहाँ पर किस तरह से सोशल स्टेटस चेंज होता है तो संस्कृताइजेशन उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है देन उसके बाद जेंडर ब्लाइंडनेस ठीक है लीला दुबे कहती हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन दैट हाउ द विमेन दे आर अफेक्टेड बाई द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन और इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल ओवरलिक किया है ठीक है ऑब्वियसली विमेन को जो है वो चार दवारी के अंदर बंद करना शुरू कर दिया जाता है ठीक है ये लीला दुबे कहती हैं फिर उसके बाद जो है वो आ, बाकी जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो गया मॉडर्नाइजेशन हो गया ऐसी दुबे कहते हैं दैट देर इज नीड टू लुक बियॉन्ड संस्कृताइजेशन क्योंकि इसके अंदर ये जो सारी प्रोसेस हैं वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं उसी के साथ देर आर मैनी कल्चरल कॉन्टेक्ट दैट आर हैपनिंग विद द ट्राइबल पॉपुलेशन देर इज पोलिटिसन रिजर्वेशन का एक इशू है जिसकी वजह से कास्ट मोबिलिटी और जो एक आपके पास ये कास्ट फ्लूडिटी जो है इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स फिनोमिना ठीक है सो देर इज़ नीड टू लुक बियॉन्ड दिस देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज ऑन दी खाप पंचायत तो खाप पंचायत ये जो है वो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल यूनिट्स होती हैं विलेज के अंदर ठीक है जो कि आउटसाइड ऑफ फॉर्मल लीगल सिस्टम जो है वो काम करती हैं सो so, इसकी जो है वो हमने बताया है कि का खा पंचायत कहाँ कहाँ पे काम करती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर काम करती हैं रविंदर कौर का काम है खा पंचायत इन हरियाणा तो किस तरह से लैंड डिस्प्यूट्स को वो बहुत इफेक्टिवली सेटल कर पाती हैं देन उसके बाद सोशल रेगुलेशन के अंदर प्रेम चौधरी का काम है कि किस तरह से एंडोगी को वो री करती हैं इस चीज़ थी, इस को वेल well डॉक्यूमेंट भी किया है ठीक है आपको भी पता होगा इंटरकास्ट मैरिज वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है देन उसके बाद कम्युनिटी कोहिजन ठीक है कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक गट जोड़ता जो है वो बना के रखा जाता है अखिलेश्वर पठनाक का काम है सॉरी पाठक का काम है खा पंचायत के ऊपर कि किस तरह से जो है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट और लोकल कल्चर को वो बांध के रखती हैं उसके साथ ही देर आर मैनी चैलेंजेस ह्यूमन राइट इश्यूज का काम है शक्ति वाहिनी रिसर्च है उ, शक्ति वाहिनी नाम है ठीक है तो उनकी रिसर्च है कि किस तरह से खाप पंचायत हरियाणा के अंदर जो है वो बहुत वायलेंट पनिशमेंट्स को भी कई बार ऑर्डर करती हैं जो कपल्स लव मैरिज करते हैं इंटरकास्ट मैरिज करते हैं और फॉर्मल लीगल सिस्टम के साथ जो है वो आ, कई बार ये कन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कीर्ति भारती का काम है कि किस तरह से जो है वो खाप पंचायत के चैलेंजेस दी लीगल इंटरवेंशनस ख़ास करके चाइल्ड मैरिजिज़ के अंदर अभी भी जब हरियाणा के अंदर या फिर जब आप जो मैरिज की एज थी उसको बढ़ाया गया था ठीक है पहले विमेन के लिए मैरिज की एज कम हुआ करती थी जब जो इसको बढ़ाया गया थ्रू लीगल प्रोविजन्स ऑफ कोर्स तो अगेन एक रिजेंटमेंट जो है वो खाप पंचायत से हमें देखने को मिली थी ठीक है तो खाप पंचायत जो है वो ऐसे जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होते हैं इनको बहुत इफेक्टिवली हम कह सकते हैं इन्फोर्स करती है देन उसके बाद देर इज़ रेजिस्टेंस टू मॉडर्नाइजेशन तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ये बहुत रेजिस्ट करते हैं जैसे अजय कुमार की रिसर्च है उत्तर प्रदेश में ठीक है तो ये देखने को मिला है कि जो आपके पास खाप हैं जैसे बलियन खाप है बहुत बड़ी खाप है वो देखने को मिलता है कि जो मॉडर्न वैल्यूज हैं अक्सर वो लोग उसके अगेंस्ट होते हैं अक्सर एक कन्फ्लिक्ट जो है वो उसमें देखा जाता है ठीक है देन उसके बाद अगला सवाल आता है डिस्कस हाउ द एलिमेंट्स ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन कंबाइन इन द इमरजेंस ऑफ सोशल सोशल पोलिटिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स गिवन गिव गिविंग एनी वन एग्जाम्पल टू एलिस्टेट द इशू ठीक है अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन गया चलिए सो बेसिकली यहां पे बताना क्या है कि सोशल पोलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट्स के अंदर ग्रेट और लिटल ट्रेडिशन किस तरह से कंबाइन करते हैं अच्छा ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन का सबको कंसेप्ट पता है यूनिवर्सलाइजेशन प्रोचलाइजेशन सबको कंसेप्ट पता है या फिर मैं बताऊं उस चीज को थोड़ा सा भाई हाँ या ना है जवाब दे दो ओके okay. देखो दो लोग हैं इसके अंदर रेडफील्ड और मैरिट ठीक है रेडफील्ड कहते हैं दैट देर आर टू प्रोसेसेस और रेडफील्ड का मानना बड़ा सिंपल सा है ठीक है एक चीज़ होती है यूनिवर्सलाइजेशन एक चीज होती है प्रोचलाइजेशन लोकलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि देर आर सर्टन यूनिवर्सल ट्रेडिशंस यूनिवर्सल ट्रेडिशन मतलब जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर मनाए जाते हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर जिनके बारे में आपको पता होता है वो लोकलाइज हो जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन केस के अंदर हम देख सकते हैं कि देर इज़ ट्रेडिशन देर इज़ अ संस्कृतिक ट्रेडिशन ऑफ रामायण लेकिन वो लोकलाइज हो चुकी है लोकल लोकलाइज इस तरह से हुई है कि वाल्मीकि की रामायण अलग है उसके अंदर जो है वो चीज़ें अलग से लिखी गई हैं लोकल कंटेक्स्ट में लिखी गई हैं ठीक है साउथ इंडिया के अंदर आ जाओगे रामायण जो है वो उसका अगेन एक लोकल कंटेक्सट देखने को मिला जा मिलेगा ठीक है तो अलग अलग जो ऑथर्स हैं जो उस लोकल कंटेक्सट के अंदर रह, रह रहे थे लोकल कल्चर्स के अंदर रह रहे थे उन्होंने री इंटरप्रेट किया है उसको रामायण को भी री इंटरप्रेट किया है महाभारत की कुछ कहानियाँ हैं उसको भी री री इंटरप्रेट किया है सो दिस इज़ लोकलाइजेशन जब एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल कल्चर होता है और वो लोकलाइज हो जाता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडियन टाकोज़ का एग्ज़ाम्पल देख लीजिए या फिर मैकडोनल्ड का एग्ज़ाम्पल लिख लीजिए मैकडोनल्ड बहुत बड़ी ग्लोबलाइज्ड फास्ट फूड चेन है वो प्रोचलाइज हो गई है लोकलाइज हो गई है लोकल टेस्ट के हिसाब से हमने उसको अडाप्ट कर लिया है दैट इज़ प्रोचलाइजेशन जब आपके पास ग्रेट ट्रेडिशन लिटल ट्रेडिशन में बदल जाता है देन उसके बाद देर इज यूनिवर्सलाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन में रॉबर्ट रेडफील्ड का मानना था कि आपके पास एक लिटिल ट्रेडिशन है उसको इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया जाता है कि वो यूनिवर्सलाइज हो जाता है वो लोगों में जो है वो प्रचलित हो जाता है ठीक है सो so, इस तरह से रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो है वो बात की थी यूनिवर्सलाइजेशन की बट उसके बाद मेलकम मैरिट आते हैं मेलकम मैरिट कहते हैं कि नहीं दोनों चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली चलती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण का ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट दिस इज़ अ स्टोरी जो कि अयोध्या के राजा की है ठीक है जो कि इतना ज़्यादा जो है वो वैल्यूफुल था कि एवेंचुअली उसको जो है उसका जो स्टेचर है वो बड़ा हुआ तो उसकी जो है वो एक स्टोरी राजा राम की जो है वो इसके अंदर बताई जाती है ठीक है एटलीस्ट जो है वो जब वाल्मीकि जी ने लिखी है तो इसी तरह से इसको लिखा गया है ठीक है तो आपके पास ये जो एक लोकल ट्रेडिशन है उसको संस्कृतिक ट्रेडिशन के हिसाब से लिखा गया ठीक है मुझे ना मैसेज कर देना आप और मैं आपको पिन करके दिखा दूंगा नहीं मिसिंग बेटा नहीं मिसिंग इंडियन सोशल सिस्टम की क्लास यहाँ पे पड़ी है अगर मिसिंग भी होगा तो खुद कर लेना इसमें क्या है कुछ ख़ास तो करवा नहीं रहा हूं यहाँ पे। वो जो आपको चीज़ें पता है वही तो हो रही हैं ठीक है सो दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सलाइजेशन जब आपके पास एक कहानी को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लिखा जाता है ठीक है जो आपके पास मैके मेरिट की एक डेफिनेशन है इट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल बट वो हाइब्रिड बन जाती है मैके मेरिट कहते हैं कि जैसे तो वो कहते हैं कि जब यूनिवर्सलाइजेशन होता है चाहे वो प्रोचलाइजेशन हो रहा हो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं और हाइब्रिड्स जो है वो बन रहे होते हैं इसके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल महाभारत की कुछ स्टोरीज हैं वो बहुत छोटी स्टोरीज़ हैं बहुत लोकल स्टोरीज़ हैं कुछ ट्राइबल्स की और पांडवों के बीच में जो है वो एक जब अनुवाद हो रहा जब एक जो है वो अलाइंस बन रहा होता है उसकी स्टोरीज़ हैं तब अब जो वो स्टोरीज़ हैं उनको संस्कृताइज़ किया गया है उनको ताकि वो एक नेशनल फिनमिना बन सके उनको जो है उस तरह से लिखा गया और उसी के अंदर उन ट्राइबल्स के अंदर जो छोटी कल्चर्स हैं उनके अंदर जो बहुत बड़ी रामायण की स्टोरी है उसको अडेप्ट करके नीचे लिखा गया है या फिर जो महाभारत की बहुत बड़ी स्टोरी है उसको अडेप्ट करके नीचे लिखा गया है सो so, मैकम मैरिट कहते हैं दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि चलता रहता है और इसकी वजह से अडेप्टेशन होती हैं हाइब्रिड्स बनते हैं और वो हाइब्रिड्स नेशनल लेवल के ऊपर भी दिखाई देते हैं और लोकल लेवल्स के ऊपर भी दिखाई देते हैं सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन एक देयर इज ऑब्वियसली अ डाइवर्जन बट हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन जो है वो होता रहता है ठीक है तो आपके पास जो है वो, और इसके अंदर जो है सोशो पोलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट्स किस तरह से दोनों को कंबाइन करती हैं वो हमें बताना था <coughs> ठीक है रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो है वो काम किया था मैक्सिकन पीजेंट कम्युनिटी के अंदर किस तरह से लिटल ट्रेडिशन के जो बिलीव्स हैं वो अर्बन कम्युनिटीज़ के अंदर जाते हैं और जो अर जो बाकी कैथलिक डॉक्टराइंस हैं जो कि अर्बन ट्रेडिशन वाली डॉक्टराइंस हैं वो लिटल ट्रेडिशन के अंदर हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं ठीक है और इसका कम्बिनेशन जो है वो इस तरह से हम देखते हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड स्टडी हाईलाइटेड हाउ द कैथलिज़म इट इज़ अडेप्टड टू द लोकल ट्रडिशन इन द दंटेक्सट बाय इनकॉर्पोरेटिंग सर्ज सर्टन इंडिजिनियस एलिमेंट्स कि वो जीसस को तो जो है वो मान रहे हैं उसकी मूर्ति को भी जो है वो रख रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो सोल वर्शिप है उसको वैसे ही कंटिन्यू किया जा रहा है ठीक है एंड साइमल्टेनियसली शेप दी लोकल ट्रेडिशंस अकॉर्डिंग टू दी कैथलिक डॉक्टराइंस ठीक है जो कैथलिक डॉक्टराइंस हैं उनको जो है वो अपने लोकल बिलीफ सिस्टम के साथ वो जोड़ के चीज़ों को बना रहे हैं ठीक है दिस इज़ हाउ द कंबिनेशन ऑफ द ग्रेट टूवर्ड्स लिटल ट्रेडिशन इट वॉज स्टडीड बाय रॉबर्ट रेडफील्ड इन मैक्सिको ठीक है कि ऊपर से जो है वो नीचे इस तरह से चीज़ें जो है वो आ रही हैं यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल वे के अंदर जो है वो आ रही हैं लिटल ट्रेडिशन से यहाँ पे भी बिलीफ सिस्टम जाता है बट इट इज सेल्डम फॉलोड बहुत कम इसको फॉलो किया जाता है ठीक है अनटिल और अनलेस एक बहुत बड़ा इवेंट होता है ठीक है सो so, एक यूनिक डायरेक्शनल वे के अंदर इस चीज को स्टडी किया जाता है अब हम इंडियन कंटेक्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ये जो मूवमेंट है वो सोशल मूवमेंट पॉलिटिकल मूवमेंट और रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट्स के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं ये कंबिनेशन देखने को मिलता है जैसे फॉर एग्जांपल हम भक्ति मूवमेंट का एग्जांपल लेते हैं जो कि ए के रामानुजन ने स्टडी किया है ठीक so, है सो लिटिल ट्रेडिशन ये वर्नैकुलर एक्सप्रेशन हैं डिवोशन के चैलेंजेस टू दी सोशल नॉर्म्स एंड देयर इज़ अ ग्रेटर ट्रेडिशन फिलासफ़ी जो कि आपके पास बहुत बड़े बड़े जो है वो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन हैं वैदिक ट्रडिशन हैं जिसके अंदर भगवान को जो है वो नरंक नरंकार की तरह से जो है या फिर जो है वो मल्टी एट्रीब्यूट्स की तरह से जो है वो बताया गया था ठीक है तो बेसिकली होता क्या है इन भक्ति मूवमेंट वी सी दिस कम्बिनेशन ए के रामानुजन कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट के अंदर ये जो लोकल ट्रेडिशनल डिवोशनल प्रैक्टिस हैं ये और जो बाकी नेशनल स्पिरिचुअल टीचिंग्स होती हैं दोनों को ऐड किया जाता है जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं जो बहुत बड़ी वैदिक स्कूल्स हैं जो वैदिक फिलॉसफी है उसको हम ऐड कर देते हैं लोकल वर्नेकुलर ट्रेडिशंस के साथ तो भक्ति मूवमेंट एज अ सोशल मूवमेंट वो हमारे पास सामने आ जाती है ठीक है देन उसके बाद पोलिटिकल मूवमेंट एंड नेशनलिज्म लिटल ट्रेडिशन के अंदर हम देखते हैं दैट देर आर सर्टन ट्रेडिशनल कस्टम्स फोक इसको सुमित सरकार ने स्टडी किया है ठीक है हिस्टोरियन सुमित सरकार वही जिसकी जिन्होंने किताब भी लिखी है पिलासी पिलासी टू पार्टीशन आई थिंक उनकी ही किताब है ठीक है uh, नहीं 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 कुछ और किताब का नाम है चलो एनी वेज सो so, उन्होंने जो है वो अगेन लोकल ट्रेडिशंस को स्टडी किया कि हर किसी के अपने अपने लोकल कस्टम्स हैं अपने अपने फोक क्लोर्स हैं एंड देन ही स्टडीड द ग्रेट ट्रेडिशन आल्सो कि नेशनल सिंबल्स हैं आइडियोलॉजीज हैं ठीक है तो इवेंचुअली ये देखने को मिलता है कि दोनों को कंबाइन किया गया जो गांधियन मूवमेंट्स थी और जो गांधियन मूवमेंट्स के अंदर जो लोकल लीडर्स थे दोनों चीज़ों को कंबाइन किया सो so, हिस्टोरियन और जो स्कॉलर हैं सुमित सरकार ने उन्होंने इसी चीज़ को देखा कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे जो लोकल लीडर्स थे जो गांधी अम्बरेला के अंदर आ चुके थे उन्होंने रीजनल आइडेंटिटीज़ को और नेशनल आइडियोलॉजी को खास करके जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की आइडियोलॉजी है दोनों को ऐड किया दोनों को आपस में असीम्यूलेट किया और एक नेशनल यूनिफाइड कॉन्शियसनेस जो है वो बनाई ठीक है देन उसके बाद रिलीजियस रिवाइवल और रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर भी ये देखने को मिलता है जो कि जॉर्डन ने इसको स्टडी भी किया है तो आर्य समाज मूवमेंट का हमने एग्जाम्पल लिया जैसे लिटरल ट्रेडिशन के अंदर देर बार लोकल इंटरप्रटेशन देर बार लोकल प्रैक्टिस ऑफ हिंदुज़म ग्रेटर ट्रेडिशन के अंदर बहुत बड़े वैदिक प्रिंसिपल्स थे जो शायद किसी को समझ नहीं आ रहे थे तो दोनों चीज़ों को हमने कम्बाइन किया ठीक है तो बेसिकली आर्य समाज मूवमेंट ने दोनों चीज़ों को कम्बाइन किया लोकल कस्टम्स को और वैदिक प्रिंसिपल्स को एंड हैंस आपके पास एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हमारे पास बन गई देन उसके बाद कल्चरल हाइब्रिडिटी जो है वो इसके अंदर देखी जाती है जैसे फॉर एग्जांपल मुंडा ट्राइब के अंदर देखी गई मुंडा ट्राइब के अपने बिलीफ थे अपने रिचुअल्स थे और ग्रेटर ट्रेडिशन के अंदर हम देखने को मिलता है दैट देर वर सर्टेन हिंदू प्रैक्टिसेस तो ऐसी दुबे इस चीज़ को जो है वो एलस्ट्रेट करते हैं कि किस तरह से मुंडा मुंडा ट्राइब के अंदर भी जो अपनी तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस को ट्रेडिशंस को वो फॉलो कर ही रहे हैं लेकिन उसी के साथ जो है ब्रॉडर जो हिंदू प्रैक्टिस हैं उनका भी अमल देखने को मिल रहा है ठीक है गॉट द पॉइंट बात समझ में आ रही है किस तरह से दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं दैट यू कैन सी ठीक है गॉट द पॉइंट तो इसी के अंदर अगर आप फोक का एग्जाम्पल ले रहे हो या फिर आप मेथोलॉजी का एग्जाम्पल ले रहे हो हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले रहे हो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ महाभारत ठीक है महाभारत की कहानियाँ आपको या फिर महाभारत के किस्से जो है वो आपको हर एक लोकल कम्युनिटी में मिल जाएंगे रामायण जो है वो इंडिया में आपको हर एक लोकल कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी बट अगेन उनका अडेप्टेसन जो है वो अपना अपना होगा कईयों ने अपने इष्टों को जो है वो अपने हीरोज को फोक हीरोज को उसके अंदर एड कर दिया है सो रामायण इट रिप्रजेंट सर नेशनल Uh, क्या कह सकते हैं नेशनल हिस्ट्री वी कैन कॉल इट सो ठीक है तो इस नेशनल लिटरेचर का एक एग्जाम्पल है तो उसी के साथ जो है वो हमने उसकी अडेप्टेशन की हैं लोकल लेवल के ऊपर सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशन किस तरह से दोनों का कंबिनेशन हो रहा है ठीक है देन उसके बाद डिस्क्राइब मीडिया एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लोकल चेंज भाई इसको खुद कर लेना ठीक है आउटरीच इंक्रीज होती है लिटरेसी इंक्रीज होती है हेल्थ फैमिली अवेयरनेस इंक्रीज होती है वीमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज होती है जैन जेंडर सेंसिटाइजेशन होती है सोशल जस्टिस प्रमोट करता होता है जैसे वीमेन एम्पावरमेंट के अंदर आप शोमा मुंशी ने यह स्टडी की थी कि बालिका वधू सीरियल के बाद एक सोप ओपरा हुआ करता था बालिका वधू उसके बाद जो वीमेन राइट्स हैं और जो चाइल्ड मैरिजेज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशंस होनी शुरू हो गई हैं ठीक है सिमिलरली हेल्थ एंड प्लान प्लानिंग अवेयरनेस के अंदर तारा सिन्हा का काम है दूरदर्शन के ऊपर हम दो हमारे दो ये एडवर्टाइजमेंट चला करती थी जिसकी वजह से सच में लोगों ने जो है इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था ठीक है और उसी के साथ जो है सोशल जस्टिस तो तीस्ता सारा शीतलवाद का जो है वो काम है किस तरह से जो है वो जर्नलिस्टिक वर्क कम्युनल वायलेंस के अंदर जो है वो काम कर सकता है उनकी जो प्लाइट है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो हम लेके जा सकते हैं ठीक है देन उसके बाद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मेधा पातकर का आ, काम है ठीक है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर किस तरह अगेन मीडिया ने जो है वो चीज़ों को मोबालाइज किया था इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट किया था ठीक देन उसके बाद डेमोक्रेसी को स्ट्रेंदन किया जा सकता है रजनी कोठारी का इसके अंदर काम है देन उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंदन किया जा सकता है पी सायनात का काम है कि किस तरह से रूरल इंडिया जो है वो नेशनल आइडेंटिटी को फॉस्टर करता है वो अपना कल्चरल uh, पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज होता है ठीक है और उसी के साथ जो सोशल रिफॉर्म्स हैं और जो सोशल इश्यूज हैं उनको फाइट करने में मदद करता है जैसे सुधीर चौधरी का काम है ठीक है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने में कास्ट प्रज के अगेंस्ट जो है वो मीडिया कारगर साबित हो सकता है ठीक है सो so, इस तरह से जो सोशल एम्पावरमेंट है वो मीडिया जो है सोशल चेंज सोशल एम्पावरमेंट का एक जो हथियार है इंस्ट्रूमेंट है वो बन सकता है देन उसके बाद डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन इसको एक बार जो है वो खुद पढ़ लीजिएगा मेजर मेजर पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है सोशल एम्पावरमेंट हो जाता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है एक्सेस टू रिसोर्स हाउसेज और आपके पास जो है वो देर आर सर्टन चैलेंज ऑल्सो वो भी डिस्कस किए गए हैं लीगल अवेयरनेस आ जाती है वो सारी चीज़ें हैं ठीक है चैलेंजेस एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अगला जो सवाल पूछे पूछा जाएगा दैट विल बी ऑन चैलेंजेस देर आर पेट्रियार्जिकल बैरियर्स जैसे नीरजा गोपाल जयल का काम है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कि किस तरह से जो है वो ऑफ़न वीमेन्स वॉइस दे आर साइलेंस्ड और समटाइम्स दे आर मीडिएटेड बाय द मेल रिलेटिव ठीक है देन देर इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग किस तरह से काम करना है ये जो ट्रेनिंग है ऑब्वियसली ये जो है वो विमेन को एक आ, जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस से जो है बाहर रख रही है देन इकोनॉमिक डिपेंडेंस घर के अंदर मर्द के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस होता है जिसकी वजह से अगेन जो वीमेंस की वीमेन की एबिलिटी है टू एक्ट वो कम हो जाती है पोलिटिकल मैनिपुलेशन ठीक है आपके पास जो है वो मेल फैमिली मेम्बर्स जो है वो ऑफन दे आर इन्वाल्वड इन पॉलिटिक्स सोशल स्टिग्मा है कल्चरल नॉर्म्स हैं जैसे शालजा चौधरी का काम है केरला के अंदर कि किस तरह से कल्चरल रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो उनकी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन केरल के अंदर होने नहीं दे रहे हैं पंचायती राज में देन इन एडिकुएट स्पोर्ट सिस्टम तो एम एन श्रीनिवास का काम है कि फैमिली के अंदर ही उनके पास अच्छी सपोर्ट नहीं होती है देन उसके बाद इनफेक्टिव रिप्रजेंटेशन एंड इन्फ्लुएंस ठीक है तो महाराष्ट्र के अंदर यह देखा गया है कि सप्तरशी का काम है कि किस तरह से जो है वो विमेंस एक्चुअल इन्फ्लुएंस माइट बी सिंबॉलिक विदाउट सब्सटेंशियल पावर वुमेन खड़ी तो हो सकती है लेकिन हो सकता है पीछे जो है वो उसका पति उसको गाइड कर रहा हो या चला रहा हो देन उसके बाद दे आर सर्टन सिक्योरिटी कंसर्नस जैसे राका रे का, का काम है वेस्ट बंगाल के अंदर कि पंचायत मेंबर्स को बहुत बार हरास किया जाता है टारगेट किया जाता है उनके डिसीजन के वजह से देन द एक्सेस टू दी नेसेसरी इंफॉमेसन ठीक है ए आर वसावी का काम है कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन गैप जो है वो देखा जाता है जेंडर गैप के अंदर जो है तब्दील हो जाता है ठीक है सो so, ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट गिव मी अ सेकेंड चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम इट इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृताइजेशन ठीक है सो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम के अंदर क्या होता है बेसिकली इट्स अ फ्लूडिटी और इट एम्फोसाइजेज ऑन द फ्लूडिटी एंड ओवरलैपिंग बैंड बाउंड्रीज बिटवीन द कास्ट एंड ट्राइब इन इंडिया ठीक है यानी कि दोनों जो चीज़ें हैं दोनों जो सोशल एंटिटीज हैं वो एक दूसरे के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सचेंज कर रही हैं एंड ऑन दी अदर हैंड संस्कृताइजेशन इसके अंदर आप अगर आप जो है वो हाई लोअर कास्ट के हो तो आप अपनी हायर कास्ट की जो आपकी रेफरेंस कास्ट होती है उसकी आदतों को इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हो ठीक है तो बेसिकली उसका ही कंपैरिजन किया है फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नेचर ऑफ चेंज द नेचर ऑफ चेंज इन द ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम ये जो है वो ओवरलैपिंग चेंज होता है ग्रेजुअली दोनों एंटिटीज मर्ज करना शुरू कर देती हैं इन दी संस्कृताइजेशन एक कॉन्शियस इमिटेशन होता है देर इज़ नो डेलिब्रेट अटैम्प्ट जनरल आप जो है वो जब आपने इकोनॉमिक एक्सचेंज करना है ट्रेड करना है तो कुछ वर्ड आप उनके सीख जाओगे आपके कुछ वर्ड जो है वो अनकॉन्शियसली वो सीख जाएंगे बट संस्कृताइजेशन के अंदर एक बहुत ही डेलिब्रेट अटैम्प्ट होता है देन डायरेक्शन ऑफ चेंज जो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम है मल्टी डायरेक्शनल होती है दोनों तरफ से चेंज हो रहा होता है संस्कृताइजेशन में यूनिडायरेक्शनल चेंज होती है देन उसके बाद एक्सटर्नल कल्चरल फैक्टर्स ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम के अंदर द इन्फ्लुएंस इट इज़ वेरी रेसिप्रोकल बिटवीन द ट्राइब एंड कास्ट म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होती है कल्चरल ट्रेड्स की बट इन संस्कृताइजेशन आपके पास एक यूनी डरक्शनल इन्फ्लुएंस होता है फ्रॉम दी हायर कास्ट टू दी लोअर कास्ट ठीक है तो आपके पास जो है वो एम्यूलेशन होता है और रादर देन द म्यूचुअल एक्सचेंज सो द रोल ऑफ रिलीजन ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम के अंदर रिलीजन वेरी कर सकता है और आपके पास जो है वो कंटिन्यूम जो है वो हो सकता है हो सकता है ट्राइबल का रिलीजन अलग हो और जो बाकी जो उसके साथ वाली सोसाइटी है उसका रिलीजन जो है वो डिफरेंट हो संस्कृताइजेशन के अंदर ज़्यादातर जो है वो हिंदुज़म में ये जो है वो बात देखी जाती है देन उसके बाद टाइम फ्रेम ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस और जनरेशन बाई जनरेशन जो है इसको देखा जाता है संस्कृताइजेशन इट कैन बी रिलेटिवली रैपिड अगर हम इसको पोलिटिकल और इकोनॉमिक गेंस के साथ जो है वो जोड़ दें अगर पोलिटिकल इकोनॉमिक गेंस बहुत तेज़ी से मिल जाते हैं किसी जाति को और वो जाति अभी हायर कास्ट के अंदर होती है और उसको और ज़्यादा जो है वो अपर कास्ट को इमिटेट करना होता है तो वो जाति जो है वो बहुत तेज़ी से उसको इमिटेट कर जाती है जिसके अंदर एक एक केस स्टडी है यादवस की ठीक है कि किस तरह से उन्होंने अपने वर्ण को जो है कि अप, जो शत, अप उसको जो है वो मोबलाइज कर लिया देन उसके बाद इम्पैक्ट ऑन सोशल हर आर्ची तो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम के ऊपर कोई सोशल हर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता संस्कृताइजेशन में जो है इम्पैक्ट होता है देन ग्लोब जो जोग्राफिकल जो कंटेक्सट है तो कॉमन इन द रीजन्स जहाँ पे ट्राइब और कास्ट जो है वो को एग्जिस्ट करती हैं संस्कृताइजेशन के अंदर इट इज़ वाइड स्प्रेड थ्रूस थ्रू आउट इंडिया then inclusivity and exclusivity tribe caste continuum it is more 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 inclusive process or sanskritization it is very exclusive in nature jo ki ek special caste ko hi aap imitate karte ho theek hai so these are the differences तो case studies लिखी हैं tribe caste continuum की गोंड्स की case study लिखी है कि किस तरह से उनमें cultural blending हो रही है इंटर मैरिजेस चल रही हैं बिटवीन द गोंड एंड द लोकल हिंदू कास्ट और देर इज़ आक्यूपेशनल शिफ्ट ठीक है वो जो है वो अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो आ गए हैं लाइक जस्ट लाइक द नेबरिंग कास्ट हिंदूज और इसी का जो है वो इस तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है ठीक है तो दोनों जो आपके पास ट्राइब है और जो कास्ट हैं दोनों के सिमिलर तरह के जो कल्चरल ट्रेट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं सिमिलरली आपके पास जो है वो अगर संस्कृताइजेशन की कोई केस स्टडी देखें तो इट इज़ दी नायर्स ऑफ केरला ठीक है लोअर कास्ट के थे धीरे धीरे उन्होंने जो है वो एमुलेट करना स्टार्ट कर दिया रिचुअल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया एजुकेशनल परस्यूट्स और ज़्यादा उनके इंटेंसीफाई हो गए टेम्पल कंट्रोल टेम्पल एंड जो है वो उन्होंने लोकल टेम्पल्स के ऊपर रिलीजियस अथॉरिटीज़ के ऊपर अपना दबदबा जो है वो जबाना शुरू कर दिया और इवेंचुअली उनकी सोशल पोजिशनिंग जो है वो ऊपर की ऊपर जो है वो हो गई देन उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द डायनमिक्स ऑफ द कास्ट मोबिलिटी और हाउ डिड द कंसेप्ट ऑफ संस्कृतेशन इट कंट्रीब्यूट्स टू फंक्शनैलिटी ठीक है पहले आपको सिंपली ये बताना है कि जो है वो कास्ट मोबिलिटी के क्या होता है और फिर जो है वो संस्कृताइजेशन में कास्ट मोबिलिटी किस तरह से होती है भाई इस सवाल को कर लोगे सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ है कि फैक्टर्स हमें डिस्कस करने हैं कास्ट मोबिलिटी किस वजह से हो रही है संस्कृताइजेशन की वजह से होती है वेस्टर्नाइजेशन की मॉडर्नाइजेशन की ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन के इंटरप्ले की वजह से होती है पंचायती राज की वजह से हो जाती है मीडिया की वजह से हो जाती है उसके बाद बेसिकली हमने संस्कृत की वजह से किस तरह से कास्ट मोबिलिटी होती है वो हमने यहाँ पर समझाया है ठीक है तो मैंने एक केस स्टडी लिया है नडर्स का ठीक है तमिलनाडु के अंदर किस तरह से पहले उनकी सोशल स्टैंडिंग लोअर रग्स के अंदर थी उनको टॉडी टैपर्स कहा जाता था तो बहुत सारे चैलेंजेस थे उनके सामने फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है वो आपके पास टी टोटलिंग स्टार्ट की डाइटरी हैबिट्स को चेंज किया क्लोथिंग को चेंज किया सोशल कस्टम्स को चेंज किया इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स की तरफ बढ़े बिजनेस ग्रोथ हुआ उनका ऑटरप्रनोरशिप जो है वो उनके अंदर उनको सक्सेस मिला ठीक है जिसकी वजह से पैसा उनके पास आ गया सोशल प्रस्टीज उनके पास आ गई देन उसके बाद एजुकेशनल परस्यूट्स एजुकेशन परस्यूट्स और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि हमें और रिजर्वेशन चाहिए तो रिजर्वेशन मिली तो धीरे धीरे उन्होंने पोलिटिकल लॉबिंग करनी स्टार्ट कर दी पोलिटिकल जो एक गेंद्स थे वो भी उनको मिलने स्टार्ट हो गए एंड एवेंचुअली सोशल मोबिलिटी रिकोगनीशन ये जो है वो उनको मिल गया ठीक है सो दिस इज़ संस्कृताइजेशन ठीक है देन उसके बाद अगला सवाल था इट इज ओन दी ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशंस अच्छा यहां तक सबको समझ में आ गया मैं थोड़ा सा जो है वो इसको तेज चला रहा हूं बिकॉज आई बिलीव कि आपको इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी इस मामले की द स्पीड इज ओके देखो ज्यादा गहराइयों में मैं नहीं जा रहा हूं देन <coughs> उसके बाद ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन इट रेफर्स टू द इंटलेक्चुलाइज सिस्टम ऑफ फिलासफी जो कि नेशनल लेवल के ऊपर होती है जो कि स्कॉलर्स प्रीस्ट ये सब लोग इस चीज को प्रोपोगेट करते हैं जैसे इंडियन वैदिक सिस्टम वैदिक सिस्टम दैट इज द ग्रेट ट्रेडिशन एंड ऑन द अदर हैंड देर इज अ लिटिल ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन ऑन द अदर हैंड इट इज अ लोकलाइज्ड फिलोसफी जिसके अंदर कस्टम्स, रिचुअल्स जो लोकल लेवल के चीज़ें हैं वो होती हैं ठीक है देन आपके पास जो है वो हम बेसिकली किस तरह से ये चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं वो समझाया है पहली चीज़ है दैट देर आर डिस्टिंगटिव रोल्स ग्रेटर ट्रेडिशन ब्रॉडर रिलीजियस फिलोसफिकल फ्रेमवर्क को तय करती है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल वैदिक स्कूल है जैसे जैसे वैदिक लिटरेचर है वैदिक लिटरेचर के आपके बेसिकली जो है वो सिक्स फिलोसफीज़ मिलेंगी वैदिक लिटरेचर की ये सिक्स फिलोसफीज़ बेसिकली हमें बताती हैं कि जो आपके पास वैदिक फिलोसफी है या फिर जो वैदिक लिटरेचर है उसको किस तरह से स्टडी किया जाना चाहिए और ये जो चीज़ें हैं दीज फिलासफ़ीज़ दे आर नेशनल लेवल ब्रॉडर लेवल फिलासफीज़ ठीक है और आपके पास जो है लिटिल ट्रेडिशन ये बेसिकली लोकलाइज्ड कस्टम्स होती हैं लोकलाइज्ड प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि विलेज ट्राइबल लेवल के ऊपर होगी देन उसके बाद दोनों के अंदर एक इंटरप्ले होता है एक इंटरेक्शन होता है दोनों को एग्जिस्ट करते हैं साइमटेनियसली एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं सिक्स फिलासफीज वो भी वैसे की वैसे रहेंगी और उसी के साथ उन्हीं फ़िलोसफीज़ में से और उन्हीं फिलॉसफीज को इंटीग्रेट लोकल ट्रेडिशन के साथ जो है वो करके हमारे पास एक भक्ति मूवमेंट की फिलॉसफीज आती हैं रिलीजियस सोशल फिलोसफीज़ आती हैं वो भी लोकल लेवल के ऊपर रहेंगी सो बोथ ऑफ देम दे विल को एग्जिस्ट विद ईच अदर ऐसा नहीं होगा कि एक फ़िलोसफी खत्म हो जाएगी दूसरी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आ जाएगी ऐसा नहीं हो दे विल बी को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर क्रॉस फर्टिलाइजिंग विद ईच अदर और दोनों का संस्कृताइेशन डी संस्कृताइेशन जो है वो चलता रहेगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन है दोनों का इंटीग्रेशन एक्सचेंज चलता रहता है एंड देन देर इज संस्कृताइजेशन ठीक है बहुत बार यह देखा जाएगा कि लिटल ट्रडिशन जो है वो ग्रेटर ट्रडिशन की कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ देर इज लोकलाइजेशन ऑफ द ग्रेटर ट्रेडिशन ऑल्सो जो आपके पास ग्रेटर ट्रेडिशन है वो भी कई बार जो है लोकल कंटेक्स के अंदर अडाप्ट करना अपने आप को शुरू कर देगा ठीक है देन उसके बाद देर इज एक केस स्टडी है मिल्टन सेंजर और मेलकम मैरिट की जिसके अंदर जो है वो बेसिकली इसी चीज को जो है वो समझाते हैं ठीक है सो so, <coughs> रॉबर्ट रेडफील्ड सो मैकम मैरिट की और सिंजर की केस स्टडी है यही मतलब किस तरह से जो है वो पैन इंडिया सांस्कृतिक ग्रेट ट्रेडिशंस लोकल वेरिएशंस के साथ जो है वो अडाप्ट करते हैं ठीक है उन्होंने वही जो ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन दी हैं उन्हीं ऑब्जर्वेशन को दिया है फिर उसके बाद दीज आर द एप्लीकेशन और केस स्टडीज़ जिसके अंदर ऑब्वियसली पहली जो है वो सिंजर की और मेलकम मैरिट की है कि किस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल देर आर मैनी रीजनल वेरिएशन ऑफ द एपिक ऑफ महाभारत ठीक है और वो बेसिकली लोकल इशूज़ को लोकल वैल्यूज को मिमिक कर रही होती हैं रिफ्लैक्ट करती हैं ठीक है थेके? और बेसिकली जो है वो इट्स अ दिस स्टडी इट अंडरस कोस दैट हाउ द टू वे इंट्रैक्शन बिटवीन द ग्रेट एंड लिटल ट्रेडिशन इज देअर ठीक है दोनों जो है एक दूसरे को इंफ्लुएंस करते हैं फिर रॉबर्ट रेडफील्ड और लायड वार्नर की स्टडी है ऑन दी कैथोलिक प्रैक्टिस इन मैक्सिको किस तरह से जो जीसस की वर्शिप है वो एनिमलिस्टिक बिलीव्स के साथ की जा रही है फिर उसके बाद विक्टर टर्नर की स्टडी है निम्बू रिचुअल्स इन जाम्बिया कि किस तरह से जो है निम्बू रिचुअल्स दे आर पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द अफ्रीकन स्पिरिचुअल बिलीव्स दैट आर द पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन उसी के साथ एम एन श्री निवास की संस्कृताइजेशन की स्टडी है कि किस तरह से ग्रेट ट्रेडिशन के जो संस्कृतिक ट्रेडिशंस होते हैं संस्कृतिक कास्ट ट्रेडिशंस होते हैं उनको आपके पास लिटिल ट्रेडिशन जो छोटी जातियाँ हैं वो जो है वो उनको मिमिक करते हैं ठीक है देन उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन फार्मर्स आर नॉट स्लो टू रिएक्ट टू द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट गिव अ अकेंड सो इंडियन फार्मर्स दे आर नॉट स्लो टू रिएक्ट टू द इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डिस्कस दिस स्टेटमेंट सो इसकी डिस्कशन के लिए मैंने कुछ केस स्टडीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हैं तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहली केस स्टडी है कि कितनी जल्दी हम लोगों ने खास करके पंजाब और हरियाणा वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स ने ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडोप्ट कर लिया तो एम एस ए रॉय की जो है वो पंजाब के अंदर केस स्टडी है नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन से नाइनटीन सेवनटीन के अंदर कि किस तरह से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हमें बताया था उनको उन्होंने सपोर्ट दिया था कुछ प्रोमिस दिए थे दैट यू हैव दी हाई यील्डिंग वराइटी ऑफ सीड्स और फार्मर्स ने बहुत तेज़ी से उन सीड्स वराइटी को और केमिकल फर्टिलाइजर्स को मॉडर्न इरीगेशन मैथड्स को अडोप्ट करना शुरू कर दिया था ठीक है तो आपके पास जो है इसकी वजह से हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती दिखाई दी और देन उसके बाद जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट है वो एक मोनोकल्चरल क्रॉप जो है बहुत तेज़ी से बन गई सो so, आपके पास जो है वो डाइवर्सिफिकेशन इन टू कैश क्रॉप्स अरुण अग्रवाल का काम है कि राजस्थान के अंदर पहले ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी जैसे ही कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुई ग्राउंड नट जैसी टबैको जैसी क्रॉप्स और मार्केट डिमांड डिमांड को बहुत तेज़ी से फार्मर्स ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया एंड इवेंचुअली इन क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया देन उसके बाद पार्टिसिपेशन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग सो हरिश मंदर का काम है गुजरात के अंदर और उन्होंने दिखाया कि कैसे अमूल कोपरेटिव मूवमेंट के सक्सेस से प्रेरित होकर फार्मर्स ने बहुत तेजी से डेयरी फार्मिंग जो है वो स्टार्ट कर दी देन उसके बाद अडोपशन ऑफ द ऑर्गेनिक प्रैक्टिस केसवन का काम है और एम एस uh, स्वामीनाथन का काम है कि किस तरह से ट्रांजिशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द स्टेट्स लाइक सिक्किम केरल के अंदर जो है वो हुआ है कि फार्मर्स ने देखा दैट देर आर मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसकी वजह से उनके क्रॉप साइकिल भी ख़राब हो रहे हैं उनकी सॉइल भी ख़राब हो रही है अल्टीमेटली लॉस का मुद्दा जहा बन रहा है और उसी के साथ जो है वो सरकार ने कुछ सब्सिडीज़ वगैरह ऑर्गेनिक फार्मिंग को कुछ चीज़ें जो है वो देनी स्टार्ट कर दी हमने उन लोगों को जो है वो समझाना स्टार्ट कर दिया बताना स्टार्ट कर दिया स्किल दिया उन लोगों को जिसकी वजह से केरल के अंदर और सिक्किम के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत तेज़ी से शुरू हो गई उसी के साथ यूज़ ऑफ़ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ठीक है। शूटर का काम है शूटर का काम है जूलियन uh, शूटर शो, तो ही हाइलाइट्स द इंक्रीज ऑफ द यूज ऑफ द स्मार्टफोन्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बाय द फार्मर्स इन महाराष्ट्र की किस तरह से वो मार्केट प्राइसेस को ट्रैक करते हैं वैदर कंडीशन को ट्रैक करते हैं और नई जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं वो कौन सी डेवलप हो चुकी हैं उन चीज़ों को बहुत इफेक्टिवली डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैक कर पाते हैं तो ये सारी की सारी केस स्टडीज़ हमें ये बताती हैं ये समझाती हैं कि किस तरह से अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फार्मर को दिए जाएँ दे आर वेरी ईगर टू गेन दोज अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है देन उसके बाद अगला सवाल पूछा जाता है दैट क्रिटिक ऑफ द ग्रेट एंड द दिटल ट्रेडिशन तो यहाँ पे मैं क्रिटिसिज्म के ऊपर ध्यान दूंगा ठीक है क्रिटिसिज्म ये है कि पहला है रॉबर्ट रेडफील्ड का क्रिटिसिज्म किया जाता है मैकेम मैरिट के द्वारा मैकेम मैरिट कहते हैं कि वो यूनिलीनियल मानते हैं दैट देर इज अ ग्रेट ट्रेडिशन ये कैथोलिक स्टडी रॉबर्ट रेडफील्ड की यही थी ना कि ग्रेटर ट्रेडिशन है कैथोलिक ट्रेडिशन जो कि अर्बन मैक्सिको के अंदर है ओन दी रूरल मैक्सिको इन दिटल ट्रेडिशन वो ज़्यादातर एनिमिस्टिक बिलीव्स के ऊपर है आत्माओं की पूजा करते हैं कुछ उनके खुद के देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं बट जब ये ट्रेडिशन कैथोलिक चर्चेज जो है वो फोक विलेजेस के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो जीसस की मूर्ति तो लगाते ही लगाते हैं उसकी पूजा तो करते ही हैं उसी के साथ अपने जो ट्रेडिशनल एनिमिस्टिक बिलीफ्स हैं उनकी भी पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं सो दिस इज़ वेरी यूनिलिनियल इन फॉर्मेट बट ऑन दी अदर है मैके मैरिट जो है वो इंडियन विलेजेस के अंदर स्टडी करते हैं दैट द रिलेशनशिप इज वेरी डायनमिक इन नेचर ठीक है तो आपके पास जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही साइक्लिक होता है और इसी साइकिलिक रिलेशनशिप को आगे चल के एल विद्यार्थी अपने सेक्रेड कंप्लेक्स के थ्रू समझाते हैं कि कैसे साइकिलिक है वो वो बताते हैं कि आपके पास जो छोटे छोटे प्रीस्ट हैं जो विलेजेस के प्रीस्ट हैं वो गया जैसी बड़ी जो रिलीजियस साइट है वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जाके उन प्रीस्ट के साथ बात करते हैं और उन प्रीस्ट को जो लोकल कम्युनिटीज़ वाले जो फोक ट्रेड्स हैं या फिर जो फोक प्रॉब्लम्स हैं फोक इश्यूज़ हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं और उन चीज़ों को एक बहुत बड़े नेशनल नरेटिव का पार्ट बना देते हैं ठीक है और उसी के साथ वो ही बताते हैं कि किस तरह से लोकल प्रीस्ट को अपने नरेटिव न्रेट, को जो है वो चेंज करना चाहिए ठीक है तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है इट इज़ साइक्लिक नेचर सो उस चीज़ को मैकम मैरिट जो है वो अच्छी तरह से बता नहीं पाते बट विद दी हेल्प ऑफ महाभारत एंड रामायणा वो कुछ ऐसे फोक ट्रेडिशंस बताते हैं जो कि महाभारत के अंदर लिखे गए हैं ऐसी कुछ कथाएं बताते हैं जो कि महाभारत के अंदर लिखी गई हैं ट्राइबल के बारे में बताती हैं और कुछ जो है वो ट्राइबल महाभारत के कुछ वर्जन्स बताते हैं जो कि ट्राइबल्स के अंदर प्रचलित हैं सो so, इस तरह से वो कहते हैं दैट इट इज़ साइक्लिक नेचर देन आपके पास ए आर मोमिन उनका क्रिटिसिज्म है दैट देर इज़ ओवर जनरलाइजेशन मोमेन कहते हैं दैट इंडियन दैट कंटेंट्स दैट गिवन इंडियंस कल्चरल हेट्रोजेनिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज़ द प्रैक्टिस नीटली इन टू ग्रेटर एंड द लिटल ट्रेडिशंस क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है तो दो ट्रेडिशंस के अंदर आपने पूरे भारतवर्ष की जो कल्चरल कंटेक्सट हैं डाइवर्सिटीज़ हैं उनको बांट दिया इट इज़ नॉट राइट ठीक है ये जो है वो प्रैक्टिस सही नहीं है प्रैक्टिकल नहीं हो सकता ये देन उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ मार्जलाइज ग्रुप्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट बर्नार्ड कोहन वो कहते हैं कि जो मार्जिलाइज ग्रुप्स हैं उनको हमने बिल्कुल जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है जो इट डज नॉट एडिक्यूटली रिप्रेजेंट्स दी मार्जलाइज वॉइस ठीक है एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स और बेसिकली जो है ये री करता है जो पावर स्ट्रक्चर्स आर एग्जिस्ट कर रही हैं बेसिकली जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं या फिर जो लोकल डोमिनेंट कास्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं जो लोकल ट्रेडिशंस हैं ओन दी अदर हैंड जो ग्रेटर ट्रेडिशंस हैं ये नेशनल एलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दो पावरफुल स्ट्रक्चर्स हैं एक जो ट्रेडिशनल लोकल लेवल को गवर्न कर रही हैं दूसरी जो नेशनल लेवल के ऊपर प्रोएक्टिव है तो बेसिकली दोनों चीज़ों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बट वाट अबाउट द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो कहाँ पे स्टैंड करता है उस चीज़ को जो है यहाँ पे नहीं बताया है देन उसके बाद हिस्टोरिकल चेंजेस हिस्टोरियन रोमिला थापर बेसिकली इसी चीज़ को कहते हैं कि ग्रेटर और लिटल ट्रेडिशन डज नॉट अकाउंट फॉर द हिस्टोरिकल प्रोसेस लाइक क्लोनलिज्म उसने किस तरह से इस चीज़ को चेंज किया मॉडर्नाइजेशन उसने किस तरह से इस चीज़ को अब भी वो जो है वो चेंज कर रहा है ठीक है और देन उसके बाद मिल्टन सिंजर खुद कहते हैं दैट दिस डॉटमी ये जो है वो सॉरी uh, आपके पास जो है वो दिस डॉटमी इट इज़ टू रिजिट तो सिंजर की स्टडी है रामलीला ट्रेडिशन के ऊपर रामनगर के अंदर तो वो कहते हैं शोज़ अप्रोचलाइजेशन प्रोसेस वेयर द ग्रेटर ट्रेडिशंस आर री इंटरप्रेटेड इन द लोकल आइडम्स ठीक है और आपके पास ये जो लाइंस हैं ग्रेटर लिटल ट्रेडिशन की ये और ज़्यादा ब्लर हो जाती हैं ठीक है देन उसके बाद जो है वो आपके पास रिस्क ऑफ एसेंशलाइजिंग कल्चर्स सो निकोलस डर्क जो है वो यही बात कहते हैं कि आपके पास बाय फिक्सिंग दी कैटेगरीज लाइक ग्रेटर एंड लिटल ट्रेडिशन हम ये कह रहे हैं कि इतनी डायनमिक जो भारत का कल्चर है हम उसको दो डब्बों के अंदर बांट देंगे तो वो जो है वो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन नेचर और ऑब्वियसली वेरिएशंस इनऑर्मस हैं देर आर इनॉर्मस वेरिएशन तो इस तरह से दो डब्बों के अंदर जो है वो पूरे कल्चर को हम नहीं बांट सकते ठीक है गॉड द पॉइंट अगला सवाल पूछा गया था मॉडर्निटी हैज़ एंटर्ड इंडियन करेक्टर एंड सोसाइटी बट हैज़ नॉट सो थ्रू असीम्यूलेशन बट और डन सो थ्रू असीम्युलेशन नॉट रिप्लेसमेंट यानि कि हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो रिप्लेस नहीं हुई हैं जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं उनके साथ असीमुलेट कर गई हैं तो उसके जो है वो हमने तथ्य दिए हैं जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन एज कंप्लीमेंट्स ठीक है तो जैसे एंथ्रोप आपके पास एम एन श्रीनिवास का काम है कर्नाटका के अंदर उन्होंने बताया किस तरह से मॉडर्न एलिमेंट्स लाइक एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये असीम्यट हो गई हैं लोकल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये डेमोक्रेटिक वैल्यू हमने ले ली है बट ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास ट्रेडिशनल कास्ट है जो वोटिंग है वो ट्रेडिशनल कास्ट लाइंस के ऊपर हो रही है देन उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन दोनों चीज़ें दोनों जो चीज़ें हैं वो साथ के साथ चल रही हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्नाइजेशन इट टाइपिफाइड बाई द अडोप्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न वेस्टर्न क्लोथ्स लिबरल वैल्यूज दे को एग्जिस्ट अलॉन्ग विद संस्कृताइजेशन ठीक है तो दोनों चीज़ें जो है को एग्जिस्ट करती हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्राह्मण्स हैं वो आजकल अल्कोहल पीना शुरू कर दिया उन्होंने। उन्होंने जो है वो आपके पास मांस खाना शुरू कर दिया ठीक है बिकॉज दे आर फॉलोइंग वेस्टर्नाइजेशन ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास लोअर कास्ट है ठीक है या फिर जो लोअर कास्ट्स हैं वो मांस खाना छोड़ रहे हैं वो वेजिटेरियन बन रहे हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास तो दोनों जो चीजें हैं वो इकट्ठा चल रही हैं ठीक है इंडिया के अंदर देन उसके बाद मॉडर्नाइजेशन इन द रिलीजियस प्रैक्टिस टी एन मदन का इसके अंदर काम है कि देखो मिडिल क्लास हिंदूज जो है दे असिमिले देर इज असिमिलेशन ऑफ मॉडर्निटी इन द रिलीजियस प्रैक्टिस ठीक है विद द राइस ऑफ भक्ति मूवमेंट तो आपके पास जो पर्सनल डिवोशन है और वो जो है वो राइज हुआ है ये मानना शुरू कर दिया कि भगवान तो दिल के अंदर है तो वो जो डॉगमाज हैं जो ब्राह्मणिकल डॉगम हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है उसी के साथ द स्प्रेड ऑफ गुरु कल्चर जैसे सिखिज़म के अंदर है सो इस रिफ्रेनिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल फिगर्स ये जो है वो आपके पास मॉडर्न सेल्फ हेल्प पैराडाइम का ये जो है वो एक पार्ट है ऑब्वियसली ये जो पैराडाइम है इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इसने जो है वो रिप्लेस नहीं किया है बट इस ये जो है वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ ट्रेडिशनल कल्चर के साथ ये असिमिलेट हो गया है ठीक है देन उसके बाद जो है वो अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज जैसे ए एम शाह का काम है माइग्रेंट्स इन मुंबई और उन्होंने बताया किस तरह से दे आर दे नेगोशिएट द मॉडर्न अर्बन रियलिटीज़ वाइल रिटेनिंग देयर रूरल रूट्स ठीक है तो बेसिकली कपड़ा तो वो जो है वो मॉडर्न पहनेंगे लेकिन जो जुबान होगी वो उन्हीं की जो है वो जो रूरल है वही रहेगी ठीक है उनका जो लाइफ है या फिर उनके जो वैल्यूज़ हैं वो वही रूरल रहेंगे फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ठीक है एंड ग्लोकलाइजेशन तो गुहा का रामचंद्र गुहा का इसके अंदर काम है गुहा वही है आपकी हिस्ट्री बुक वाले सो so, उनका काम है कि किस तरह से उन्होंने प्रपोज किया है द कंसेप्ट ऑफ ग्लोचलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन टू कैप्चर द इंडियाज़ यूनिक रिस्पॉन्स टू द ग्लोबलाइजेशन तो उन्होंने बताया कि इस तरह से इंडिया में जो है वो मैकरी और टाको इंडियन का प्रोफ जो है वो एक प्रोचलाइजेशन हुआ है प्रोलीफ्रेसन हुआ है इंडिया के अंदर अब जो मैक्सिकन टाको है वो हम नहीं खाते हैं बट हमने अपने टेस्ट के हिसाब से उसको अडाप्ट कर लिया है

जो अपनी बाउंड्रीज से पार जाके नेशनल लेवल के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं उनको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अडॉप्ट कर लिया जाता है दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑन द अदर हैंड देर इज प्रोचलाइजेशन प्रोचलाइजेशन के अंदर बड़ी जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ होती हैं वो नीचे जो है वो प्रोचलाइज हो जाती हैं लोकलाइज हो जाती हैं ठीक है इसका अनालिस किया गया है तो बेसिकली इन चीज़ों को खुद जो है वो एक बार रीड कर लेना प्रोसेस और डायरेक्शन एक साइकिलिक डायरेक्शन जो है वो देखा जाता है दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं दोनों चेंज करते हैं एंड दीज केस स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऊपर वाले दोनों पार्ट्स जो है वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी द केस स्टडीज़ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जो पहला हमने यूनिवर्सलाइजेशन का केस लिया है दैट इज स्प्रेड ऑफ द ग्लोबल कंज्यूमरिज्म इन इंडिया ठीक है आपके पास एक ग्लोबल थॉट प्रोसेस है ऑफ कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म क्या है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतने ज़्यादा जो है वो आपका सोशल स्टेटस होगा दिस इज़ जनरल वैल्यू ऑफ कंज्यूमरिज़म ठीक है और कंज्यूमरिज़म के अंदर जो कपड़ा पुश किया जाता है वो ज़्यादातर वेस्टर्न स्लाइ स्टाइल्ड होती है इस, इस तरह की शर्ट होती है इस तरह की जीन होती है ठीक है तो हम लोग भी जो है वो वही ब्रांड्स जो है जो वेस्ट से आ रहे हैं कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड्स होते हैं इंडियन मिडिल क्लास भी उन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है बहुत अच्छे से उन चीज़ों को अडेप्ट कर, कर रही है ठीक है सो अर्जुन अपोद ने उस चीज़ को जो है नहीं दीज आर नॉट फ्री ठीक है मैंने रिसेंटली मैंने भी चेक किया था दीज आर नॉट फ्री ठीक है सो so, आपके पास जो है अर्जुन अपोद ने इस चीज़ को चेकआउट किया था ठीक है इस चीज़ को देखा था कि किस तरह से जो है वो वेस्टर्न स्टाइल क्लोदिंग जो है वो हम लोग पहन रहे हैं लेकिन हमने इंडियन स्टाइल क्लोदिंग को पूरी तरह से अबैंडन नहीं किया है ठीक है तो आपके पास जो है वो हमने वेस्टर्न स्लाइड जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल ले लो मैंने पगड़ी ट्रेडिशनल पहन रखी है लेकिन जो शर्ट है जो जीन है वो वेस्टर्न साइड वो वेस्टर्न स्लाइड क्लोथिंग वाली है ठीक है तो ये जो अटायर है नाउ इट हैज़ बीन यूनिवर्सलाइज्ड ठीक है तो आप जो है वो अगर अर्बन इंडिया के अंदर जाओगे अरब तो आप किसी भी जो है वो एक सरदार को मिलोगे सिख को मिलोगे उसके अंदर ये अटायर जो है वो आपको देखने को मिलेगा ठीक है सो स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कंज्यूमरिज्म इन इंडिया इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन कि किस तरह से ये जो अटायर है जो एक पगड़ी का अटायर जो कि एक लोकल कम्युनिटी का एक छोटी सी कम्युनिटी का पंजाब के अंदर अटायर हुआ करता था वो पूरे नेशनल लेवल के ऊपर यूनिवर्सलाइज हो गया है और ये क्यों हुआ है बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न साइड वेस्टर्न स्लाइड वेस्टर्न स्टाइल क्लोदिंग और उसी के साथ जब ट्रेडिशनल क्लोदिंग को हमने मिला दिया ठीक है तो एक कम्युनिटी के लिए नेशनल लेवल के ऊपर इसका जो है एक रिप्रेजेंटेशन आ चुका है ठीक है इसी चीज़ को अर्जुन अपुद्रा कहते हैं दैट दीज आर द ठीक है एथनोस्पेसिस मतलब एक ग्लोबलाइज वैल्यू थी कि आपके पास जो है वो आपने शर्ट और जीन्स पहननी है और उसी के साथ एक जो है वो ट्रेडिशनल वैल्यू थी कि आपको पगड़ी पहननी है तो दोनों चीजों को हमने हाइब्रिडाइज कर दिया एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया और ये जो अटायर है ये यूनिवर्सलाइज हो गया है लगभग सब लोग जो है वो अब इस अटायर को पहन रहे हैं

देर इज़ अडोप्शन ऑफ द बॉलीवुड कल्चर अगेन इट इज़ दार्ट और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन का एक एग्ज़ाम्पल है <coughs> तो उसके अंदर जो है ये दिख, दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो तेजस्विनी घाटी का ये केस स्टडी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि इस तरह से बॉलीवुड को अडाप्ट किया गया है हॉलीवुड के अंदर ठीक है बॉलीवुड पहले एक छोटा सा कल्चर हुआ करता था छोटी जो फिल्म हैं वो बना करती थी फिर धीरे 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 हमारी जो कम्युनिटी है वो देश विदेश के अंदर जो है वो स्थापित हो गई और बॉलीवुड गाने जो हैं वो बॉलीवुड डांसेस जो हैं वो हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर इंग्लिश मूवीज़ के अंदर आने शुरू हो गए देन उसके बाद लोकलाइजेशन ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन इन इंडिया टी के ओटमन का काम है इसी के अंदर जो है वो मार्टिन ओरन का काम भी है कि जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देखते हैं इंडिया के अंदर तो अगेन जो क्रिसमस को अगर देखा जाता है ओरेंज के अंदर क्रिसमस जातरा मनाई जाती है अब जो जातरा ट्रेडिशन है वो आपके पास एक लोकलाइज ट्रेडिशन है क्रिसमस जो है जो कैथलिक ट्रेडिशंस हैं दे आर यूनिवर्सलाइज ट्रेडिशन वो यूनिवर्सलाइज ट्रेडिशन जब लोकल ट्रेडिशन के साथ मिल जाते हैं तो लोकल ट्रेडिशन उसको अपने हिसाब से अडाप्ट कर लेते हैं ठीक है सो क्रिसमस इन अ क्रिश्चियन फेस्टिवल इट इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ठीक है और अपने अपने रिलीजियस कस्टम्स के हिसाब से लोग इन इसको जो है वो मना लेते हैं ठीक है सो व्हाट आर द वेरियस एक्सोजीनियस प्रोसेस इनको जो है लिखा गया है इसको भाई खुद पढ़ लेना एक बार ठीक है अगला जो है वो सवाल है व्हाट इज़ वेस्टर्नाइजेशन व्हाट इज संस्कृताइजेशन इसको भी जो है संस्कृताइजेशन uh, और वेस्टर्नाइजेशन दोनों का जो कंपैरिजन है एनालिसिस है वी हैव ऑलरेडी डन एक बार इसको जो है वो खुद देख लेना ठीक है अगले क्वेश्चन को करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन दी संस्कृताइजेशन एंड डी संस्कृताइजेशन ठीक है संस्कृताइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप जो संस्कृतिक वैल्यूज़ हैं जो रिचुअल्स हैं प्रैक्टिस हैं लाइफ हैं उनको आप अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हो ठीक है तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नडर्स की केस स्टडी है किस तरह से उन्होंने नायर्स की हायर कास्ट की वैल्यूज़ को जो है वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो आपके पास जो है वो आपके तो दिस इज़ नोन एज संस्कृताइजेशन ठीक है देन उसके बाद एक और जो है वो नोटेबल एग्जाम्पल है डी का जो कि आपके पास जो है वो डिलेग ने रॉबर्ट डिलेग ने दिखाया है हमें तो बेसिकली जो है दलित्स या फिर पेरियार्स ऑफ तमिलनाडु साउथ इंडिया तो उसके अंदर बेसिकली हमें देखने को मिलता था दैट दे आर मतलब पेरियर्स हिस्टोरिकली ये जो है वो आपके पास लोअ कास्ट तमिलियंस थे ठीक है तमिल कास्ट थी ऑब्वियसली सोशल डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जो है वो इनके अंदर देखने को मिलता था तो बहुत सारे जो है वो पेरियार्ज ने ड्यू टू सर्टन सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स ठीक है तो बहुत सारे जो पेरियार्स हैं उन्होंने रिलीजियस जो हिंदू रिचुअल्स हैं प्रैक्टिस हैं सिम्बल्स हैं उनको जो है उस आइडेंटिटी को बिल्कुल खारिज कर दिया ठीक है सो दिस इज़ एनदर एग्जाम्पल ऑफ डी संस्कृताइजेशन दैट रादर देन गोइंग फॉर संस्कृतिक ट्रडिशन उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को के साथ जो है उन्होंने एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया ठीक है दे कॉन्शियसली डिस्टेंसड दैम सेल्व्स फ्राम द प्रैक्टिस लाइक वर्शिपिंग हिंदू गॉड्स ठीक है और उन्होंने जो है वो वेजिटेरियनिज़्म और सिमिलरली वेजिटेरियनिज्म को एडहर करना तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं करी ठीक है सो so, बहुत बार ये देखा जाता है दैट ड्यू टू दोशो रिलीजियस मूवमेंट्स या फिर ड्यू टू सर्टन सोशल मूवमेंट जैसे आपके पास बी आर अम्बेडकर की मूवमेंट थी न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट थी इट इज इट कैन अगेन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डी संस्कृताइजेशन ठीक है एन अदर एग्जाम्पल ऑफ डी संस्कृताइजेशन इट इज द रिजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया नावा डीज जो कि आजकल चलती दिखाई दे रही है तो उसके अंदर क्या है कि दी हाई कास्ट इन द ल्यू ऑफ रिजर्वेशन वो लोअर कास्ट को मिमिक करने की कोशिश करते हैं तो जो संस्कृतिक लार्जर वैल्यूज हैं लाइक वेजिटेरियनिज्म लाइक like, आपके पास हिंदू गॉड्स को मानना या फिर आपके पास कुछ संस्कृतिक वर्ड्स को बोलना उन चीज़ों को वो बोलना छोड़ देते हैं लोअर कास्ट को जो लोकल वैल्यूज़ हैं उनको अडहर करना वो स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो सिमिलरली अडोपशन ऑफ क्रिस्चैनिटी अगेन बाय इंडियन सोशोलॉजिस्ट क्रिस्चैनिटी का अडोप्शन भी जो है वो एज अ पार्ट ऑफ डी जो है वो देखने देखा जाता है ठीक है सो दिस इज़ तो इसका एक जो है क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया है दैट द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन ये जो है वो सोशल मोबिलिटी का एक एग्जाम्पल है अमंग द लोअर कास्ट इन इंडिया हा एवर इम्पैक्ट जो है वो इट इज़ नॉट विदाउट कंट्रोवर्सी क्रिटिक्स दे आर्गू दैट द संस्कृताइजेशन ऑफन री इन्फोर्स द कास्ट हरार ठीक है तो आपके पास जो है वो अगेन कल्चरल सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी का जो कंसेप्ट है वो दोबारा फिर से री इन्फोर्स हो जाता है मोर ओवर द संस्कृताइजेशन इसके लिमिट इसकी एक लिमिटेड इफेक्टिवनेस जो है वो देखने को मिली मिलती है क्योंकि आजकल और बहुत सारी फोर्सेस आ गई हैं अर्बनाइजेशन की फोर्स है ग्लोबलाइजेशन की फोर्स है रिलीजियस मूवमेंट्स की सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स की फोर्स है उसी के साथ जो है वो आपके पास देर एक जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम आ रही हैं लैंड जो है वो आपके पास एक कमोडिटी बन चुकी है जिसको आप खरीद सकते हो जिसको आप बेच सकते हो जिसकी वजह से जो कास्ट डायनमिक्स है एंड इवन सबसे इंपॉर्टेंटली आपके पास पोलिटिसजेशन आ चुका है जिसकी वजह से कास्ट डायनमिक्स जो है वो और ज़्यादा फ्लूडिक हो चुका है बहुत सारी चेंजेस आ रहे आ रही, रही हैं तो संस्कृताइजेशन खुद एक छोटा सा चेंज बन के रह गया कोई बहुत बड़ा डोमिनेंट चेंज आजकल हमें नहीं दिखाई देता है आजकल जो डोमिनेंट चेंज हमें दिखाई देता है दैट इज़ ड्यू टू अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड पोलिटीसाइजेशन ठीक है बात समझ में आ रही है सो दिस इज़ इट ठीक है इसके अंदर मैंने जोधपुर में जो भंगीज़ वाला एग्जाम्पल है जो प्री इंडिपेंडेंस वाला एग्ज़ाम्पल है वो यहाँ पे मैंने कॉन्शियसली नहीं दिया है बिकॉज अगेन अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल देते हो अगर आप जो है वो गुज्जर्स का एग्ज़ाम्पल देते हो कि कैसे जो है वो उन्होंने सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं किया बट ओन दी अदर हैंड दे आर क्लेमिंग दैम सेल्व एज दोशली बैकवर्ड क्लासेस ठीक है कि हम दे आर सोशली बैकवर्ड क्लासेज इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं ठीक है वो अपने आप को ब्राह्मिस की तरह या फिर संस्कृतिक वैल्यूज जो है वो अपने अंदर प्रो पोट्रे नहीं कर रहे हैं ठीक है तो अगेन इट रिप्रजेंट दी केस स्टडी ऑफ द डी संस्कृताइजेशन ठीक है जी ओके एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट एवरीथिंग इज क्लियर ठीक है मैंने थोड़ा सा जो है वो इसको तेज बखाया है क्योंकि अगेन जो टॉपिक था इट वॉज वेरी सब्सटेंशियल बड़ा टॉपिक था जो चेंजेस थी जो टॉप इसके अंदर जो सब टॉपिक्स बन रहे थे वो बहुत कम बन रहे थे ठीक है तो काफ़ी मैंने जो है वो इसको भगाने की कोशिश की है आज ठीक है अगर कोई भी डाउट आएगा तो भाई पूछ सकते हो कोई इशू नहीं है और प्राइमरीली जो मेरा भगाने का इन क्लासेस को एक मोटिव होता है वो ये होता है कि एक तो आपका सिलेबस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर कवर हो जाए हरियाणा का पेपर आ रहा है बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं ठीक है आपके पास आपके क्लासमेट्स ही हैं आपके बैचमेट्स हैं जिन्होंने हरियाणा का पेपर भी देना है, जो दैट इज़ आई थिंक आफ्टर फिफ्टीन्थ है फिफ्टीन्थ या बारह तेरह के पास उसकी डेट आई है ठीक है तो इवेंचुअली मच ऑफ द सिलेबस इट इट हैज़ बिन कम्प्लीटेड ठीक है तो और उसी के साथ जो है वो आपको भी टाइम मिल जाएगा एक आध महीने का जिसके अंदर आप खूब सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है और सबसे बड़ा जो कारण है आई हैव दिस नोशन कि आप बच्चे सब लोग सब कुछ पढ़ के बैठे हो ठीक है और बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने और ये जो लेक्चर्स हैं उनमें एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं अगर यहाँ पे भी समझाने की ज़रूरत पड़ जाती है सब कुछ समझाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो पीछे हो जाएंगी ठीक है ओके एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट Everything is clear.